हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 11th लेक्चर ऑफ जीएसटी। एंड आज हम लास्ट लेक्चर में हमने एग्जेम्पशंस पढ़ रहे थे, आज हम एग्जेम्पशंस कंटिन्यू करेंगे। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कंस्ट्रक्शन सर्विस के अंदर एंट्री नंबर 10A, 11, 41A एंड 41B बहुत सिंपल है बेटा, ये समरी भी दी हुई है, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं इसको, काफी सिंपल है ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड। लेकिन एक चीज यहां ध्यान रखना, यहां प्योर लेबर की बात बीच में आ जाती है, ठीक है ना, तो उसके बारे में वैसे भी आपको थोड़ा बताऊंगा, तो लेट्स सी, ठीक है, ध्यान देंगे। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन के जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स है उसकी बात। यानी कंस्ट्रक्शन में देखिए बेटा, दो चीज होती हैं, एक मटेरियल होता है, साथ में लेबर होता है। मटेरियल मतलब गुड्स हो गया, ठीक है, तो गुड्स की बात नहीं कर रहा यहां पे मैं, प्योर लेबर यानी सिर्फ और सिर्फ लेबर दिया है, बराबर है, गुड्स नहीं दिया है, कोई भी मटेरियल तरह का, किसी भी तरह का मटेरियल सप्लाई नहीं किया, सिर्फ लेबर सप्लाई किया है, सिर्फ लेबर, ठीक है। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी बात मैं यहां कर रहा हूं फिलहाल। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमिश्निंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन और ऑल्टरेशन ऑफ सिविल स्ट्रक्चर इन एनी अदर और एनी अदर ओरिजिनल वर्क्स पर्टेनिंग टू बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन और एनहांसमेंट अंडर हाउसिंग फॉर ऑल मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना। मतलब क्या, हर इंसान भी अपना एक घर बना सकता है, ऐसा हमारी गवर्नमेंट की सोच है। तो इसीलिए अगर ये कंस्ट्रक्शन एनहांसमेंट अंडर ऑल हाउसिंग फॉर ऑल, घर सबके लिए घर, वो स्कीम के अंदर रहा है या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर रहा है, ये एंट्री नंबर 10 में एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन क्या, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये बात बेटा जरा ध्यान में रखना। एक और एंट्री, एंट्री नंबर 10, ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कहां से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मर के खेत तक, फार्मर या एग्रीकल्चरिस्ट के खेत तक आना चाहिए, उससे रिलेटेड है ये। तो इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक खेत है, ठीक है, अब मैं अगर कोई सर्विस, भैया मेरे खेत में इलेक्ट्रिसिटी, मेरे फार्म हाउस में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए मुझे, ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैं इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज जो रहती है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे महाराष्ट्र में महाडिस्कॉम करके कंपनी है जो करते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं उनको पैसा उनको देता हूं, मुझे सर्विस देते हैं, ठीक है, तो उनके जो चार्जेस है वो पेमेंट करता हूं, तो वो जो सर्विस है वो सर्विस एग्जेम्प्ट है अंडर जीएसटी। वही बात समझ में, देख सकते हैं, सर्विस सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमिश्निंग और इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू द ट्यूबवेल ऑफ द फार्मर और एग्रीकल्चरिस्ट फॉर एग्रीकल्चर यूज, ठीक है। अब इसके अंदर एंट्री नंबर 11 बेटा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अगेन यहां पे प्योर लेबर की बात कर रहा हूं फिर से मैं। सर्विस बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, कमिश्निंग और ओरिजिनल वर्क पर्टेनिंग टू सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, आई रिपीट, सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ अ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं होना चाहिए। क्या चाहिए, सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, मैंने अपना प्लॉट लिया, अपना घर बनाया, सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आपको बताता हूं, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या, सबसे पहले वो पढ़ते फिर वो केस बताऊंगा। रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स मीन्स एनी कॉम्प्लेक्स कंप्राइजिंग ऑफ बिल्डिंग और बिल्डिंग्स हैविंग मोर देन वन सिंगल, एक से ज्यादा रेसिडेंशियल यूनिट हो गया, मतलब वो कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन में आ जाएगा, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन में वो आ जाएगा, ध्यान रखना ये चीज। सिंगल रेसिडेंशियल मीन्स सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ कंटेन्ड रेसिडेंशियल यूनिट विच इज डिजाइन फॉर यूज होली और प्रिंसिपली फॉर रेसिडेंशियल पर्सन फॉर वन फैमिली, एक परिवार के रहने के लिए एक घर जो रहता है वो रेसिडेंशियल यूनिट है। अब फ्लैट, फ्लैट रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, फ्लैट रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, रेसिडेंशियल यूनिट में नहीं आएगा, ये रेसिडेंशियल यूनिट की डेफिनेशन है। और ये रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे रह गए, बहुत सारे लोग रह रहे, तो वो नहीं आएगा। ये सर्विस में एग्जेम्पशन क्या है, सिर्फ रेसिडेंशियल यूनिट्स को एग्जेम्पशन है, सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को एग्जेम्पशन नहीं है। कौन सी सर्विस का, सर्विस बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस सप्लाई की जा रही है,
ओरिजिनल वर्क. अब सर ओरिजिनल वर्क क्या होता है? न्यू कंस्ट्रक्शन, ऑल टाइप्स ऑफ एडिशन, ऑल्टरेशन टू अबंडन और डैमेज स्ट्रक्चर ऑन लैंड विच आर रिक्वायर्ड टू मेक देम वर्केबल. या टूट टाड़ गया उसको पूरा ठीक किया. इरेक्शन, कमिश्निंग, इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट और स्ट्रक्चर, वेदर प्री फैब्रिकेटेड और अदरवाइज. प्री फैब्रिकेटेड मतलब जो लोहे का काम करते ना, कमिश्निंग इंस्टॉलेशन, उसकी बात है यहां पर, फैब्रिकेशन वर्क्स. सवाल ये उठता है यहां पे, अब यानी मतलब रेसिडेंशियल लैंड, मैं अपना खुद का घर बांध रहा हूं सिंगल, ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है सबका हो. कॉम्प्लेक्स का अगर पार्ट है मेरा फ्लैट, मेरा घर, तो फिर वो रेसिडेंशियल यूनिट के डेफिनेशन में नहीं आएगा. प्योर लेबर की बात की जा रही है, यानी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिख दो वहां पे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये, क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको मालूम है इट इज अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ मटेरियल एज वेल एज लेबर. यहां किस चीज की बात हो रही है बेटा? यहां सर प्योर लेबर की बात की जा रही है, उसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं है, कोई भी प्योर सर्वे लेबर एलिमेंट की बात हो रही है यहां पे. यहां पे कुछ भी गुड्स एलिमेंट नहीं आएगा. अब एक एग्जांपल देता हूं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है लेकिन आंसर आ जाएगा. तीन भाई थे और उन्होंने एक जगह, उनकी एक जगह थी और मतलब 3,000-4,000 square feet की. अब उनको ये घर बांधना था अपना, मतलब ये केस आया था मेरे पास आज से एक साल पहले की बात है. तो अब तीनों भाई वो जगह पे, वो क्या सोचे कि ग्राउंड में पार्किंग डाल देंगे हम, और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, एक फ्लोर एक भाई का, एक फ्लोर एक भाई का, एक फ्लोर एक भाई का, ऐसा उन्होंने सोचा. अब यू देखा जाए तो एक हर आदमी अपना सिंगल इंडिविजुअल यूनिटी बना रहा, बट जैसे ही वहां दो फैमिली हो गई, एक दूसरा तीसरा, अब वो नो मोर सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, वो आ गया कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन में, वो फ्लैट की डेफिनेशन में आ जाएगा. अब कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन में आ गया मतलब जो भी लेबर उनको सप्लाई करेगा कॉन्ट्रैक्टर, प्योर लेबर, वो लेबर, जैसे आपको घर बनाना है तो आप अपना मटेरियल देते हो, लेबर वाला जो ठेकेदार रहता है वो लेबर सप्लाई करता है ना, कॉन्ट्रैक्टर. कभी कभी विद मटेरियल दिया जाता है, तो विद मटेरियल तो यहां आएगा ही नहीं, विद मटेरियल यानी कंपोजिट सप्लाई में चला गया वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. अब बात आती है यहां इसकी, सिर्फ लेबर सप्लाई कर रहा है, तो अगर सिंगल आदमी अपना घर बना रहा है तो जो लेबर सप्लाई करने वाला है, भले वो रजिस्टर्ड हो नहीं हो उसकी मतलब नहीं, अगर वो रजिस्टर्ड है तो इन शॉर्ट उसकी सर्विस एग्जेम्प्ट है अगर मुझे दिया तो. लेकिन आप मान लीजिए तीन भाई और तीन अपना घर बना रहे हैं, सर्विस एग्जेम्प्ट नहीं है, वो सर्विस पे टैक्स लग जाएगा क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन में आ जाएगा. दैट सर्विस जो भले प्योर लेबर क्यों ना हो, नॉट एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी. एक बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके भी आने के चांस है, ऐसे आसान है कुछ है नहीं इसके अंदर. Supply of TDR, FSI, long term lease by land or by land owner to developer, land owner मतलब या TDR, FSI के बारे में आपको बताया था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, याद होगा तो. Exempted to the condition that constructed flats are sold before issue of completion certificate and tax it paid there on, ये भी आपको बताया था completion certificate के पहले बाद में, आपको याद है कि नहीं पता, मुझे याद है, डिटेल में हमने डिस्कस किया था इसको. ये रहा, ये देखिए 80% वाला पार्ट था, है ना, इस टाइप का. और ये इसके अलावा अब यहां के इसके अंदर वही एग्जेम्पशन है, किसको एग्जेम्पशन है उसके बारे में भी बात की गई है. TDR, FSI, long term lease premium shall be withdrawn in case of flat sold after issue of commission certificate, but such withdrawal shall be limited to 1% of the value in case of affordable house and 5% of the value in case of other than affordable house. ठीक है, ये भी आसान है. मतलब ये exempt है, ये exemption है, ठीक है. इसके बाद बेटा एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस. क्या आएगा? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस. अब इसका कंस्ट्रक्शन सर्विस का शायद कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है विशेष एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. चलिए हम पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के बारे में पढ़ेंगे. पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस विथ और विदाउट अकंपनीड बिलोंगिंग्स. पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस मतलब पैसेंजर को आप ट्रांसपोर्ट करते हो विथ और विदाउट, उनके पास जो अकंपनीड बिलोंगिंग रहते हैं ना, बिलोंगिंग समझता है आपको, उनके पास जो बैगेज रहता है जिसको हम बैगेज बोल सकते हैं, अकंपनीड बिलोंगिंग उनकी चीज,
जो बैगेज वगैरह साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है, विथ और विदाउट दोनों भी हो सकते हैं, उसके साथ हो या उसके अलावा हो, अकेला हो, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की बात है, गुड्स की बात नहीं है यहाँ पे। बाय बाय एयर, विमान से जा रहे हैं वो। एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन, एम्बार्किंग मतलब यहां से चालू होना, टर्मिनेटिंग मतलब वहां खत्म होना, या तो चालू होंगी या खत्म होंगी। कौन से, कहां से? इंडियन एयरपोर्ट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और रेड बगडोडरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल यानी नॉर्थ ईस्ट। मतलब साफ भाषा में इन एयरपोर्ट से या तो प्लेन लैंड होना चाहिए या प्लेन स्टार्ट होना चाहिए। अगर ऐसे पैसेंजर, ऐसा ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर होता है ना, वो पैसेंजर या तो यहां जा रहा है या यहां से जा रहा है, या तो यहां पहुंच रहा है या यहां से निकल रहा है प्लेन में बैठ के, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, यानी वो एयरलाइंस वाले की सर्विस पे जीएसटी नहीं लगेगा अगर यादर जर्नीज एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग टू दीज एयरपोर्ट्स। नॉन कंडीशन, नॉन एयर कंडीशन यानी नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिएज अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सक्लूडिंग टूरिज्म, कंडक्टेड टूर, चार्टर और हायर, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिएज एग्जेम्प्ट है अदर देन रेडियो टैक्सी। रेडियो टैक्सी के बारे में बाद में बात है। स्टेज कैरिएज अदर देन एयर कंडीशन स्टेज कैरिएज यानी नॉन एसी, ठीक है। अब ये स्टेज कैरिएज क्या होता सर और कॉन्ट्रैक्ट कैरिएज क्या होता, सबसे पहले देखिए जरा कॉन्ट्रैक्ट कैरिएज क्या होता है, ठीक है, और स्टेज कैरिएज के बारे में भी आगे लिखा हुआ। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कैरिज देखेंगे। मींस अ मोटर व्हीकल व्हिच कैरीज पैसेंजर और पैसेंजर और पैसेंजर फॉर हायर फॉर और रिवॉर्ड इन इज एन एंगेज अंडर सच कॉन्ट्रैक्ट वेदर आर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाई फॉर यूज ऑफ सच व्हीकल एज अ होल फॉर द कैरिज ऑफ पैसेंजर मेंशन देयर इन इन टू बाय अ पर्सन वेयर होल्डर ऑफ परमिट इन रिलेशन टू सच व्हीकल फॉर एनी पर्सन ऑथोराइज बाय हिम फिक्स एन एग्रीमेंट एग्रीड रेट और सम ऑन टाइम बेसिस वेदर नॉट रेफरेंस टू एनी रूट डिस्टेंस और फ्रॉम वन पॉइंट टू अनादर इन आइदर केस विदाउट स्टॉपिंग पिकअप और सेट डाउन पैसेंजर नॉट इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट एनी वेयर ड्यूरिंग द जर्नी एंड इंक्लूड्स अ मैक्सी कैब एंड अ मोटर कैब नॉट विदस्टैंडिंग दैट सेपरेट फेयर आर चार्ज फॉर इस पैसेंजर। सीधी सीधी बात है, कॉन्ट्रैक्ट कैरियज का मतलब आपको समझ लीजिए यहां से वर्धा जाना है और आप टैक्सी हायर करते हो तो आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करोगे पर किलोमीटर में तुझे इतने पैसे दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट कैरिएज आपको लेकर जाएगा वापस लाएगा और पर किलोमीटर पैसे दे दोगे, और ये मैक्सी कैब और मोटर कैब भी इसके अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। और स्टेज कैरिएज क्या होता है, ये मोटर व्हीकल तो है लेकिन ये कैरी मोर देन सिक्स पैसेंजर एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, ये अकेला नहीं जा रहा, सॉरी अकेला आपको नहीं बिठा रहा, छह से ज्यादा पैसेंजर एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, ड्राइवर सातवा, ठीक है। हायर और रिवॉर्ड सेपरेट फेयर पेड और इंडिविजुअल पैसेंजर आइदर फॉर होल जर्नी और स्टेजेस ऑफ जर्नी, ये आपने बस में जनरली देखा होगा, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में बस आ जाएगी, अपने बस के अंदर देखा होगा, बस एग्जाम्पल दे रहा हूं, बस के साथ ऑटो भी चलते हो सवारी वाले ऑटो, जी भैया ये स्टेज से दूसरे स्टेज तक, दूसरे स्टेज से तीसरे, बर्डी से शुरू होके पार्डी तक जाते हैं, वो है आपके स्टेज कैरियजेस, ठीक है। वो ऑटो डुक्कर ऑटो नहीं बोलते अपन उसको, उस टाइप की चीज हो गई यहां पे, ठीक है। छह से ज्यादा पैसेंजर बैठते हैं स्टेज स्टेज वाइज, ये स्टेज से दूसरे स्टेज, दूसरे से तीसरे, और कंसिडरेशन मिलता है बराबर, वो इसके अंदर बैठते हैं। उसके बाद स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, ये तो हो गया जैसे MSRTC महाराष्ट्र में, MSRTC ST बसेस हो गया, आपके मेट्रो हो गया, ठीक है, ये सब इसके अंदर आते हैं बेटा, ठीक है। शिवशाही वगैरह आपने सुना होगा आजकल चल रहा है, ये सब इसके अंदर आते हैं। मीन्स एनी अंडरटेकिंग प्रोवाइड रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस वेदर अंडरटेकिंग इज कैरिड ऑन बाय वेर सच अंडरटेकिंग इज कैरिड ऑन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन स्टेब्लिश अंडर सेक्शन 3 ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट, एनी म्यूनिसिपैलिटी और एनी कॉरपोरेशन और कंपनी ओन्ड और कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और वन और मोर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे पंजाब रोडवेज, हरियाणा रोडवेज, शिवशाही महाराष्ट्र में चलती है, ये सब चीज, ठीक है। ये बाकी तो कुछ नहीं है, मोटर इसके अंदर क्या इंक्लूड होता, हाँ
अब ये तो मैंने आपको तीनों चीजें का मतलब बताया, अब जरा एग्जेम्पशन देखते हैं। ये एग्जेम्पशन आपको पढ़ा दिया, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट अकंपनीड बिलोंगिंग बाय एयर, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई सर्विस दी जा रही है बाय एयरलाइंस, इट इज एग्जेम्प्ट। एम्बार्किंग फॉर और टर्मिनेटिंग एट RCS, Regional Connectivity Scheme, Airport against consideration in the form of viability gap funding, RCS के against में, मतलब terminating at RCS, यानि Regional Connectivity Scheme के through, या embarking from or terminating at an RCS airport, against consideration in the form of viability gap funding, ठीक है। However, nothing contained in this entry shall apply on or after expiry of period of 3 years from the date of commencement of operation of RCS airport as notified by Ministry of Civil Aviation. अब इसमें क्या रहता है पता है? नया एयरपोर्ट जो रहता है, नया नया बनता है, वो नए एयरपोर्ट के लिए है ये स्कीम, लेकिन ये सर्विस किसको दे रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये बात ध्यान रखना। एंट्री नंबर 17, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट अकंपनीड बिलोंगिंग बाय रेलवे इन क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एयर कंडीशन कोच, फर्स्ट क्लास या एसी के अंदर जाओगे तो जीएसटी लगेगा, अदर देन यानी आपका स्लीपर हो गया या जनरल हो गया वो एग्जेम्प्ट है। मेट्रो मोनोरेल ट्रेन में देखो कितना अजीब बात है, मेट्रो एसी रहती है, सुना होगा आपने, और यहां पे ये एसी इनको ये नहीं चल रही, मतलब एसी रेलवे नहीं चल रही लेकिन एसी मेट्रो चलेंगी। इनलैंड वाटरवे, इनलैंड वाटरवे क्या होता पता है? रिवर्स, देश के अंदर से रिवर जाते हैं ना, गंगा रिवर, इसको बोलते हैं इनलैंड वाटरवेज। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पस, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जेम्प्ट है लेकिन अगर टूरिज्म पर्पस के लिए दिया तो टैक्सेबल। इन अ वेसल, वेसल यानी शिप, नाव, जहाज, छोटा जहाज, बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कई बार शिप यूज होती है, लेकिन वो शिप के अंदर आप पैसेंजर ले जा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर पैसेंजर टूरिस्ट है, पूरी की पूरी शिप में टूरिज्म पर्पस के लिए आप वो शिप चला रहे हो तो टैक्सेबल है। और अगर टूरिज्म पर्पस नहीं है, सिर्फ कैरिंग ऑफ पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर है, टूरिज्म इज नॉट द पर्पस, तो फिर क्या होगा? वो एग्जेम्प्ट रहेगा। हाँ, ये हो सकता है उसमें दो तीन यात्री टूरिस्ट हो, भैया आप 100 लोगों को ले जा रहे हो, उसमें दो तीन टूरिस्ट, चार पांच दस टूरिस्ट अगर बैठ गए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि प्रीडोमिनेंट पर्पस आपका टूरिज्म हुआ, ठीक है ना। अगर आप प्रीडोमिनेंट आपका पर्पस टूरिज्म है तो ये टैक्सेबल रहेगा, लेकिन अगर आपका प्रीडोमिनेंट पर्पस टूरिज्म नहीं है तो ये एग्जेम्प्ट है, फिर चाहे दो तीन टूरिस्ट ही क्यों ना बैठे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई बात समझ में? इसके बाद आता है मीटर कैब्स, ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा, मीटर कैब, ऑटो रिक्शा ये भी टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसको भी। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर आर यूजुअली चार्जेबल टू जीएसटी। एंट्री 6, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट डिस्कस अर्लियर स्पेसिफिकली एक्सक्लूड्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी फ्रॉम इट्स प्रीव्यू विच इंप्लाइज दैट सच सर्विस आर लायबल टू जीएसटी। हाउएवर सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर स्पेसिफाइड इन एंट्री 15, 16 एंड 17 ये बताते हैं मेंशनड अबाउट और एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी वेदर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और अदरवाइज और विदाउट अकंपनीड बिलोंगिंग्स। सर कंफ्यूजन होता है, ये तो अलग है। हाँ चलिए इसका एक चार्ट आपको बनवा के देता हूं, मजा आएगा, उतना ही ध्यान रख लिए तो काम हो जाता है। एज रिगार्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन वेसल, जो वेसल का भी मैंने बताया, अदर देन प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पस, क्वालिफाई द प्रीसीडिंग वर्ड्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दिस इंप्लाइज दैट टू क्वालिफाई फॉर एग्जेम्पशन अंडर दिस एंट्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाय वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया शुड नॉट बी प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पस, यानी टूरिज्म अगर पर्पस है तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा, टैक्सेबल। और अगर टूरिज्म पर्पस नहीं है, फिर भले ही दो तीन क्यों ना बैठे हो, वो भी लिखा आगे, नॉर्मल पब्लिक शिप और अदर वेसल दैट सेल बिटवीन द प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया वुड बी कवर्ड इन दिस एंट्री इवन इफ सम ऑफ द पैसेंजर्स ऑन बोर्ड आर यूजिंग सर्विस फॉर टूरिज्म बिकॉज प्रीडोमिनेटली सच सर्विस इज नॉट फॉर टूरिज्म पर्पस, उसका सर्विस दे टूरिज्म पर्पस के लिए नहीं है, भले ही फिर दो तीन टूरिस्ट क्यों ना बैठे हो। आर यू गेटिंग पॉइंट माय पॉइंट? However, service provided by leisure, chartered vessel, cruise ship, ये सब जो रहते हैं, इनका predominant purpose क्या है? Tourism है, पूरा के पूरा taxable रहेगा, ठीक है।
would not be covered here. Even if some of the passenger are not tourists. अब क्रूज में जा रहे भले ही कुछ पैसेंजर टूरिस्ट नहीं है लेकिन पर्पस क्या है उसका? टूरिज्म. आई बात समझ में? ये यहां लिखा है सर्विस बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर नॉट प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पस ऑन वेसल फ्रॉम कोलकाता टू पोर्ट ब्लेयर मेन लैंड टू आईलैंड. पोर्ट ब्लेयर आईलैंड है, कलकत्ता मेन लैंड है, ठीक है. और पोर्ट ब्लेयर टू रोज आईलैंड इंटर आईलैंड, दो आईलैंड के बीच में. तो ये क्या रहेगा? एंट्री डी में कवर्ड रहेगा और एग्जेम्पशन रहेगा, ठीक है, क्योंकि टू प्लेसेस लोकेटेड इंडिया है और इसका पर्पस टूरिज्म नहीं है. आई बात समझ में? चलिए ना बेटा इसका एक चार्ट बना के देता हूं आपको, अच्छा सा चार्ट बना लेते हैं तो आपको नहीं क्या और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. चार्ट देख बना लेंगे तो ठीक है. देखिए हमने ट्रांसपोर्ट की सर्विस देखी तो बाय रोड वाटर सारे. तो यहां पे एक सेकेंड, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट आप ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं. पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस. अब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में सबसे पहले रोड की बात करता हूं. किसकी? रोड की. रोड में दो पार्ट कर सकते हैं हम. एक सेकेंड, ठीक है. अब रोड के अंदर देखिए, एक तो पहले आप बस पकड़िए, ठीक है. बस, बसेस है ना, आपका वो स्टेज कैरियज हो गया या फिर सॉरी MSRTC जो आपने देखा पूरा कवर हो जाएगा. आप ध्यान दीजिए बसेस, ठीक है. और इसके अलावा फिर मैं ये लेता हूं आपका मीटर कैब, ऑटो रिक्शा वगैरह. या मोटर कैब एक्सेट्रा ये आ जाएगा. अब मुझे बताओ बस, बस काय में आता है? स्टेज कैरेज के अंदर, ठीक है. ध्यान देना बेटा, वो भी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग. तो ये टैक्सेबल है क्या? हाँ. अगर ये इसके अंदर दो चीज आ जाती है बेटा, अगर ये नॉन एसी है पहला, अगर ये नॉन एसी है, अकाउंट नहीं नॉन एसी लिखता हूं एक मिनट, नॉन एसी तो ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल, सॉरी एग्जेम्प्ट, बराबर है. अगर नॉन एसी और अगर एयर कंडीशन है तो एसी है तो टैक्सेबल. समझ आया? जैसे शिवशाही एसी बस है महाराष्ट्र की, एग्जाम्पल लिख दो शिवशाही. ये सुना होगा आपने, शिवशाही की बसेस चलती है ना, वो एसी है, वो टैक्सेबल है बेटा, उसमें जीएसटी एलिमेंट इंक्लूडेड है. और नॉन एसी आपकी एसटी बस जो चलती है, ठीक है, लाल कलर वाली, ठीक है. ये क्लियर है बसेस के बारे में, स्टेज कैरियज, ठीक है. अब मैं आता हूं कॉन्ट्रैक्ट कैरियज. कॉन्ट्रैक्ट कैरियज में क्या आ जाएंगे बेटा? प्राइवेट बसेस आ जाएंगी. कौन सी बसेस आ जाएगी? प्राइवेट बस. ये रोड के अंदर आता है सब कुछ. एक कॉन्ट्रैक्ट कैरियज के बारे में स्टेज के साथ यहां लिख सकते हैं हम लोग, यहां लिख लीजिए आप कॉन्ट्रैक्ट कैरियज. कॉन्ट्रैक्ट कैरियज. अब इसका क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट कैरियज इसके आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप बेटा प्राइवेट बसेस. क्या लिख सकते? प्राइवेट बसेस. ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो. तो कॉन्ट्रैक्ट कैरियज में दो तरह की बस रहती है, एक तो एसी बस, एक नॉन एसी बस, बराबर है. तो अब इसमें क्या करूं? इसके दो पार्ट आप कर दीजिए. एक आपका आएगा एसी बस, एक नॉन एसी बस. एसी बस क्या रहेगा? कॉमन सेंस सर, टैक्सेबल रहेगा. नॉन एसी बस क्या रहेगा? सिंपल, अगर टूरिज्म पर्पस है, टूरिज्म इसके अंदर देखिए बेटा दो पार्ट हो जाएंगे. टूरिज्म प्रीडोमिनेंटली, टूरिज्म कंडक्टेड टूर या चार्टर या हायर जो भी है, टूरिज्म कंडक्टेड या चार्टर
या हायर पे ऐसा कुछ है तो सीधा सीधा टैक्सेबल। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ऑल अदर पर्पस, पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह, ऑल अदर पर्पस, जिसको मैं बोल सकता हूं पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्ट, तो ये क्या होगा, ये एक्सेम्प्ट रहेगा, ये टैक्सेबल नहीं रहेगा। सीधी बात है, नॉन एसी बस, अगर टूरिज्म आपका इंटेंशन, देखिए एसी तो कुछ भी कर लो टैक्सेबल है, नॉन एसी या टूरिज्म प्रीडोमिनेटली यूज फॉर टूरिज्म पर्पस, चार्टर्ड हायर इस टाइप की चीज, लेजर, तो टैक्सेबल। और उसके अलावा कोई पर्पस जैसे पॉइंट टू पॉइंट, जैसे आपकी एसटी बसेस, प्राइवेट बसेस भी नहीं चलती क्या पॉइंट टू पॉइंट यहां से यहां, जैसे आपको यहां से वर्धा जाना है तो बीच में किसी को उतरना है, समझ लीजिए बुट्टी बोरी, तो उतर सकता है, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, उसको बोल देंगे आपके प्राइवेट बसेस। और स्टेज कैरिज है ना उस एसटी बस गवर्नमेंट की, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, प्राइवेट वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते क्या, ठीक है, ये आ गया। अब इसके अंदर मीटर कैब, ऑटो रिक्शा, मोटर कैब, ये सब हो गया। अब इसके अंदर बेटा तीन चीजें जरा ध्यान देना, थोड़ा आप लोग बड़ा करके लिख सकते हैं, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं यहां पे एडजस्ट करता हूं, ध्यान देना। और मैं एक यह लाइन भी बना देता हूं, ये जो है अलग है, ये अलग है, ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम करेंगे। ठीक, सबसे पहले यहां पे आएगा मीटर कैप, रिक्शा, मीटर कैप के बाद आपका आ गया ऑटो रिक्शा, ये एग्जेम्प्ट है, आपको अगर ध्यान होगा यहां देख लीजिए, ये देखिए, हाँ मीटर कैप, ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा, ये देखो बेटा ये क्या है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं इसको एग्जेम्प्ट, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है इसके भीतर के, अब इसके बाद बात करते हैं, यहां देखो मोटर कैब, एसी नॉन एसी दोनों है, ठीक है, ये देखिए मोटर कैब यहां रहा, तो वो एसी भी हो सकता है नॉन एसी भी हो सकता है, जस्ट मैंने जस्ट में यहां पे लिखा था, मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए नॉन एयर कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट कैरिएज अदर देन रेडियो टैक्सी, यहां पे रेडियो टैक्सी, यानी रेडियो टैक्सी का क्या हुआ, वो टैक्सेबल होंगी अदर देन रेडियो टैक्सी, चलिए उसके बारे में पहले लिख देता हूं, रेडियो टैक्सी, रेडियो टैक्सी, तो ये क्या है, टैक्सेबल, एसी हो चाहे नॉन एसी हो, एसी और नॉन एसी, ये तो टैक्सेबल है भैया। तो फिर मोटर कैब का क्या होगा, ठीक है, मोटर कैब के बारे में भी लिखा हुआ है, जरा ध्यान देना, देखिए अब यहां पे एग्जेम्पशंस में मीटर्ड कैब है, मोटर कैब्स नहीं है, मीटर्ड कैब मोटर कैब दोनों चीज अलग है। मीटर कैब मतलब जो आपके ये यूज होते हैं, यानी आप मुंबई वगैरह अगर गए तो मीटर जो रहता है ना उनके, एक एक मीटर लगा रहता है कैब के ऊपर, तो वो मीटर से चलती है, मतलब कैब जैसे ऑटो रिक्शा में मीटर रहता है उस टाइप का, कोलकाता वगैरह में एम्बेसडर चलती है उसमें मीटर लगा हुआ रहता है, वो है मीटर कैब। और मोटर कैब मतलब ये ओला उबर वाले, ये ओला उबर वाले, ये मोटर कैब है, ठीक
ठीक है। तो ये मोटर कैब जो है ये एग्जेम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है। मीटर कैब एग्जेम्पशन में कवर्ड होती है, ठीक है। एसी नॉन एसी ऐसा कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, ये देखिए मीटर कैब, ऑटो रिक्शा। मीटर कैब वाले थोड़े गरीब रहते हैं बेचारे, सीधी सीधी बात ही है। तो अब यहां पे मैं मोटर कैब लिख देता हूं। मोटर कैब यानी जो कैब आप यूज नहीं करते, ओला उबर उस टाइप की चीज हो गई। तो मोटर कैब एसी हो या नॉन एसी हो टैक्सेबल, एसी और नॉन एसी, समझ आया। तो सबसे पहले मैं अपन ने क्या पढ़ा, रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्या है, बस से होगा या मीटर्ड ऑटो रिक्शा मोटर कैब, इससे होगा। बसेस यानी स्टेज कैरेज की बात करेंगे या प्राइवेट बसेस की बात करेंगे जिसको कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बोलते हैं। स्टेज कैरेज यानी गवर्नमेंट मतलब स्टेज टू स्टेज, नॉन एसी एग्जेम्प्ट, एसी टैक्सेबल, जैसे शिवशाही बस वगैरह हो गया। प्राइवेट बसेस के अंदर भी एसी बस है तो टैक्सेबल, नॉन एसी है तो अगर टूरिज्म के लिए है तो टैक्सेबल, और अदर पर्पज रहे तो फिर एग्जेम्प्ट। मीटर्ड कैब ऑटो रिक्शा मोटर कैब इनके बारे में, मीटर्ड कैब ऑटो रिक्शा तो एग्जेम्प्ट है, साफ साफ लिखा हुआ है। रेडियो टैक्सी जो है वो टैक्सेबल है, चाहे एसी हो चाहे कुछ भी हो। और मोटर कैब जो ओला उबर आप यूज करते हैं वो टैक्सेबल है। इस चार्ट से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, इसी टाइप के आने क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा, ये है बोलो क्या करना है, तो आप कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये हुआ पहला बेटा रोड के लिए, ठीक है। रोड के अलावा रेलवे वगैरह भी था, याद है। तो मैं दूसरा जो बना रहा हूं ना वो रेलवे का बना रहा हूं, दूसरा अपन रेलवे का देखेंगे। अब इसमें बेटा सेकंड में आप रेलवे देख सकते हैं, ठीक है ना, रेलवे में क्या होता है, ठीक है। सेकंड में यहां लिखता हूं मैं रेलवेज। अब रेलवेज में देखिए तो एक तो मेट्रो रेल वगैरह रहती है और एक अपनी नॉर्मल इंडिया रेलवेज, ठीक है। रेलवे में दोनों ले लेता हूं, एक आपकी नॉर्मल रेलवेज जो अपनी नॉर्मल भारतीय रेल है ना, रेलवेज, ये नॉर्मल मैं यहां लिख देता हूं, लगे तो नॉर्मल चुक चुक गाड़ी, ठीक है ना। और ये आपकी हो गई मेट्रो मोनो रेल कुछ भी, या ट्रैमवे, ट्रैमवे ऊपर रहता ना ऐसे रस्सी से जाते हैं। ये देख लीजिए यहां लिखा हुआ है मेट्रो मोनो ट्रैमवे और ये रेलवे, मतलब मैं सब कुछ कवर करते जा रहा हूं, ये समझ लेना आप। ये चार्ट देख लिया तो फिर ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं रहेगी, पढ़ते पढ़ते चार्ट ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अब इसके अंदर रेलवे के अंदर दो चीज है, एसी नॉन एसी। पहले तो फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास वाले या एसी कोच वाले, एसी टू टीयर थ्री टीयर कुछ भी हो, एसी कोचेस। तो ये क्या है, ये तो टैक्सेबल है सर। और इसके अलावा कुछ भी रहा अदर तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। यानी स्लीपर, एग्जाम्पल लिख दो यहां पे, स्लीपर क्लास, जनरल क्लास, समझ आई बात। इसके बाद मेट्रो की बात करता हूं। मेट्रो मोनोरेल का क्या है भैया, कुछ नहीं है सर, कोई कंडीशन नहीं है, ना एसी ना नॉन एसी, ये पूरा के पूरा एग्जेम्प्ट है। कई बार समझ में क्लियर है ये रेलवे के बारे में। अब मैं तीसरे पे आऊंगा आपके, वाटर, पानी, वाटर का भी है ना, शिप वगैरह के बारे में देखते हैं उसके बारे में क्या लिखा है। वाटर में देखिए एक तो इनलैंड वाटरवेज है और एक आपके वेसल, वेसल है जहाज, ठीक है। एक है आपका इनलैंड वाटरवेज, और एक है वेसल, ये देख लीजिए। वाटर के अंदर इनलैंड वाटरवेज और एक ये वेसल, यानी ये कवर कर दिया, ये कर दिया, इनलैंड कवर कर दिया, ये सब पांचों कवर कर रहा हूं मैं। आप चीज समझिए बात को, क्योंकि ये एंट्री नंबर 17 पूरी आपकी कवर हो जाएंगी ये चार्ट्स में, तो आपको आसानी जाएंगी बेटा आप अपने पढ़ने में ध्यान रखने में, ठीक है। चलिए इनलैंड वाटरवे के बारे में क्या कहा गया है, एग्जेम्प्ट, सीधी सीधी बात है, पूरा एग्जेम्प्ट। और वेसल के बारे में दो चीज, टूरिज्म के बिना टूरिज्म, तो जरा उसको बायफर्केट करूंगा, क्या है
predominantly used for tourism purpose. लिखता हूं मैं predominantly used for tourism. अगर ऐसा है टूरिज्म के लिए तो फिर तो पूरा टैक्सेबल हो गया. और अगर अदर पर्पस है, टूरिज्म के अलावा एक जगह से दूसरी जगह छोड़ना, अदर पर्पस रहा तो क्या होता है, एग्जेम्प्ट, सीधी सी बात. ठीक है, ये वाटर से रिलेटेड हो गया. अभी इनलैंड वाटर में क्या आता है ये भी आपको बता देता हूं बेटा. इनलैंड वाटर में आएंगे रिवर्स, है ना, रिवर्स हो गया. और वेसल में क्या आएगा, सी रूट. ये समझ लेना इंडिया. अब वेसल में देखिए, आपको गोवा से चेन्नई जाना है तो समुद्र लगता है ना, तो सी रूट हो गया. समुद्र से जैसे गोवा मुंबई क्रूज शिप हुई है अभी, चाल गोवा मुंबई क्रूज आपके सुना होगा, तो ये क्या हो गया, सी रूट हो गया. आई बात समझ में, चलिए ठीक है, ये हो गया इसका. अब एयर, एक एयर बाकी रह गया अपना, ये तो सब कवर हो गया. एक एयर इसके अंदर है, ये एयर वाला, ठीक है ना. तो ये एयर को भी, स्टेज कैरिज अपना हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज हो गया, ये भी अभी हो गया. अब ये एयर वाला बाकी, तो जरा एयर का भी देख ले, मतलब सब कवर कर दिया जी. क्या कवर किया सर आपने, हवा, रोड, रेलवे, पानी, हवा. अब चौथा क्या है, हवा, एयर, वो भी कवर कर लेते हैं. आप भी बना सकते बेटा ये चार्ट. ये चार्ट बना के मैंने कोई तीर नहीं मारा है, नॉर्मल जो जो मुझे जो जो एंट्रीज में लिखा था वो सब मैंने कवर कर दिया भाई, कुछ नहीं. मेरे बनाने से आपको आसानी हो जाती है, सीधी सीधी बात ही है. तो एयर, एयर में क्या आएगा, चलिए दो चीजें एयर के अंदर भी देख लेते हैं. एयर में बेटा सबसे पहले वो नागालैंड, मणिपुर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मैं उसके बारे में लिखूंगा. देखिए इफ, अब यहां आप लिख सकते हैं, इफ पैसेंजर, जो वहां पे लिखा हुआ, इफ पैसेंजर एम्बार्किंग और टर्मिनेटिंग, पैसेंजर इज एम्बार्किंग, एम्बार्किंग मतलब वहां से यात्रा शुरू हो रही है या खत्म हो रही है, खत्म होती मतलब टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. अब देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लॉ में वर्ड नहीं है, लॉ में नाम लिखा है स्टेट्स का, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं क्या नॉर्थ कौन से स्टेट्स है. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ए एट बगदोडरा. ठीक है, ये मैं अपने मन से इतना सारा लिखना क्या चार्ट में, इसीलिए आप देख सकते हैं जनरली ये स्टेट्स जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है. आई बात समझ में, ख्याल में आया आपको. तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये क्या है भैया, टैक्सेबल, सॉरी एग्जेम्प्ट, ये पूरी तरह एग्जेम्प्ट है. इसके अलावा कुछ नहीं, पूरा टैक्सेबल. अदर केस, अदर, एक सेकेंड, कलर चेंज करना पड़ेगा. हाँ, अदर केस, अदर केसेस इज फुल्ली टैक्सेबल. इस पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 5% रेट है, ठीक है ना, जानकारी के लिए, बाकी कुछ नहीं. रेट के बारे में तो बाद में ही बात करेंगे, अभी कोई बात रेट के बारे में, टैरिफ के बारे में भी कोई बात नहीं होगी. ठीक है, चलिए एयर भी हमने कवर कर लिया, तो ये आपका सारा इसके अंदर कवर हो गया ना, ये एंट्री हमारी खत्म, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट. ठीक है बेटा, अब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के बाद आता है GTA, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस. सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आसान भी है, ऐसा कुछ नहीं है. नहीं, इसका पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो ज्यादा बेटर रहेगा. क्वेश्चन साथ में देखते हैं हम लोग, तो हमारा मस्त कंप्लीट होता जा रहा है. एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9, ये तो हमने कर लिया था. हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा इसके ऊपर जरा. सालासर बालाजी लिमिटेड इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय फॉलोइंग मोड्स इन द मंथ ऑफ नवंबर बाय वेसल इन नेशनल वाटरवेज. बोलो इसका क्या होगा, वेसल इन नेशनल वाटरवेज. वेसल से दिया लेकिन नेशनल वाटरवेज में, अब जरा यहां पे देखना, अपन ने जो बनाया था वेसल से दिया लेकिन टूरिज्म नहीं है, अदर पर्पस है, एग्जेम्प्ट है, और वैसे भी इनलैंड यानी नेशनल वाटरवेज, देश के रिवर वगैरह के अंदर, तो वो वैसे ही एग्जेम्प्ट है.
ठीक है, चाहे वेसल से दिया, चाहे नाव से, किसी से भी दिया, वो एग्जेम्प्ट है, तो ये यहां पे चला जाएगा। ठीक है, ये एग्जेम्प्ट बेटा आपका। उसके बाद एयर कंडीशन स्टेज, एयर कंडीशन आ गया मतलब टैक्सेबल, एयर कंडीशन स्टेज कैरिएज, ठीक है। उसके बाद नॉन एयर कंडीशन स्टेज कैरिएज, अगेन एग्जेम्प्ट। बाय कॉन्ट्रैक्ट कैरिएज फॉर टूरिज्म, टैक्सेबल। मुंबई टू चेन्नई पोर्ट इन वेसल सच सर्विस आर नॉट फॉर टूरिज्म, एग्जेम्प्ट। मीटर्ड कैब एग्जेम्प्ट रहती है, लेकिन रेडियो टैक्सी टैक्सेबल रहती है। नॉन एयर कंडीशन कैरिएज एग्जेम्प्ट, एयर कंडीशन टैक्सेबल। अभी एग्जाम में बेटा इसी तरीके से बनाना, तो आपको मार्क्स वार्क्स जरा अच्छे मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। या वर्किंग नोट बार बार क्या होता है, जैसे जैसे वर्किंग नोट वन, इन सबके रीजन एक है, इसके 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 रीजन एक है, इसके इसके रीजन एक है, तो क्या है? अच्छा रहता है, रीजन याद है तो ठीक, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन 10 के पहले घुस ट्रांसपोर्ट पढ़ना पड़ेगा। अब हम आते हैं जीटीए सर्विस पे, अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका भी बेटा मैंने अच्छा चार्ट बनाया है, वो मैं आप लोगों को बनवा के दूंगा, लेकिन चार्ट बनाने के पहले पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे ढंग से, क्योंकि डायरेक्ट चार्ट पे आएंगे तो मजा नहीं आता, ठीक है ना। हाँ, इसके लिए भी तीन क्वेश्चंस हैं, आपको बता दूं। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या होती है, सिंगल गुड्स ट्रांसपोर्ट वाला क्या होता है, एंट्री नंबर 18 है, बहुत फिर उसके बाद 20, 21, बहुत सारी चीजें इसके अंदर, आसान है वैसे ये, बस ये एक ही बेटा बड़ी सर्विस में एक ही बच रही है, बाकी सब बहुत छोटी छोटी है और आगे के अंदर समझाने जैसा कुछ नहीं है। मीन्स आपको बता देता हूं, यही एक सर्विस है जिसमें समझाने जैसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, कुछ नहीं बहुत कुछ, आगे बहुत सिंपल है, मतलब आप सिर्फ सेल्फ पढ़ेंगे तो भी आपको समझ जाएगा, हालांकि मैं यहां पढ़ा दूंगा आप लोगों को, लेकिन सेल्फ ही हो सकता है, उसके लिए कोई ऐसा जरूरत नहीं पड़ती है। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एग्जेम्प्ट, लेकिन एक्सेप्ट सर्विसेज ऑफ जीटीए एंड कुरियर एजेंसी इंक्लूडिंग एक्सप्रेस कार्गो और बाय इनलैंड वाटरवे, इनलैंड वाटरवे एग्जेम्प्ट है, ठीक है। इसके बाद अब एक चीज समझ लेना, इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट किया गुड्स कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो एग्जेम्प्ट है, वहां भी था यहां भी आ गया, रोड से वहां पैसेंजर था यहां गुड्स है, फर्क क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर था पिछला जो देखा था, इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, तो अगर मैं इनलैंड वाटरवे की बात करूं तो गुड्स अगर इनलैंड वाटरवे से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं तो बेटा वो एग्जेम्प्ट रहेंगे, पैसेंजर का अपन ने देख लिया था इनलैंड वाटरवे वो भी एग्जेम्प्ट था, है ना। अब बात करता हूं रोड से, रोड ट्रांसपोर्ट की, एयर ट्रांसपोर्ट वगैरह तो उसका टैक्सेबल है, उसके प्रॉब्लम नहीं है, बात आती है रोड से। रोड से दो होता है, एक तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी करता है, एक कुरियर वाले करते हैं, तो बाय रोड ऐसे तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने किया या कुरियर एजेंसी ने किया तो वो टैक्सेबल है। एक्सेप्ट वर्ड लिखा, एक्सेप्ट दिस, यानी एग्जेम्पशन में एक्सेप्ट आ गया, यानी ये दोनों एग्जेम्प्ट नहीं है, समझ आई बात, दिस आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस द टू आर नॉट एग्जेम्प्ट। तो सर फिर क्या आता है, नॉर्मल आदमी, जैसे मैंने बताया मेरे पास एक ट्रक है, मेरा खुद का ट्रक, और मैं वो खुद चला रहा हूं, आपको सर्विस दे रहा हूं, तो मैं हो गया, मैं सर्विस दे रहा हूं, आई एम इंडिविजुअल। और अगर मैं एजेंसी चला रहा हूं, दो चार ट्रक है मेरे पास, तो वो हो गया गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सर कैसे पता चलेगा, कंफ्यूजन होता है ना, एक आदमी भी तो एजेंट एजेंसी खोल सकता है ना, हाँ एक ट्रक से भी एजेंसी खोल सकता है, तो सर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी और गुड्स ट्रांसपोर्ट में फर्क क्या, फिर कैसे पहचानना कि इंडिविजुअल है कि एजेंसी है। डेफिनेशन दी हुई है, अगले पेज पे आएंगे पूरा बेटा, इतने से व्हाट इज गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी इसके बारे में लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंस डेफिनेशन का क्या है, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, आपको सिर्फ ध्यान देना है और बहुत सिंपल है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, सबका विद एग्जांपल यहां पे नोट्स में बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन्ड है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड आर एग्जेम्प्ट From GST under entry 18, service of GTA and courier service are an exception to this exemption. However, GTA service provided to an unregistered person, including unregistered casual taxable person. सबसे आश्चर्य की बात है, casual taxable person कभी unregistered नहीं रहता, generally कभी नहीं रहता,
तो हाउ कैन इट बी अनरजिस्टर्ड, ठीक है ना। अब यहां लिखा है, जाने दो, आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी बाय वर्च्यू ऑफ एंट्री 21A। क्या बोलता है भैया 21A? ये रही आपकी 21A, इसके वर्च्यू से एग्जेम्प्ट है। अच्छा, लिखा है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट, कुछ नहीं बड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, पार्टनरशिप फर्म के बारे में भी लिखा था, है ना। ये देख लीजिए 21A, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। तो 21A में एग्जेम्पशन है, ये रहा आपका 21A। सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये ध्यान रखता, ये रजिस्टर्ड के बारे में। तो अदर देन फॉलोइंग रिसिपिएंट, यानी ये जो अदर है ना, ये जितने भी हैं इनको अगर जीटीए ने सर्विस दी तो एग्जेम्पशन नहीं है, चीज समझ लेना। अदर देन लिखा है फैक्ट्री रजिस्टर्ड, सोसाइटी रजिस्टर्ड, कॉपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड, बॉडी कॉर्पोरेट एस्टैब्लिश्ड, फर्म पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, सीटी सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वेदर रजिस्टर्ड, ठीक है। आई बात समझ में? सेक्शन 20 सॉरी एंट्री नंबर 21A में क्या लिखा है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। हालांकि जब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 7 में, तो आप ये समझ जाओगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अनरजिस्टर्ड कभी नहीं रहता, वो रजिस्टर्ड ही रहता है, ठीक है। चलो जाने दो, जैसा लिखा है मानेंगे। जीएसटी 2 साल का 2.5 साल का 3 साल का बच्चा है, सॉरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब जरा यहां ध्यान देना। फर्दर GTA सर्विस प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड फॉलोइंग पर्सन इवन इफ अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ आर लायबल टू टैक्स, ये अभी वहां पे लिखा था, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई वो लिखा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स GTA सर्विस प्रोवाइडेड ओनली टू अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, समझ लेना। अनरजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन फैक्ट्री को भी डाल दिया आपने, सोसाइटी को भी डाल दिया, कॉपरेटिव को भी डाल दिया, बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप, ये लोग चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो जीएसटी लगेगा, देख लो, आर लायबल इवन इफ अनरजिस्टर्ड हो जीएसटी लगेगा। तो इसका मतलब इसके अलावा बचता कौन भैया, किसको छोड़ा आपने, हमने किसको छोड़ा, ओनली टू अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल कंज्यूमर को छोड़ दिया, आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, सीधी सीधी बात, आई बात समझ में। दस जीटीए सर्विस प्रोवाइडेड टू, अब देखिए एक रख से बेटा, पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ एंड रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी, ये सब 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 आ गया, आर लायबल टू टैक्स, ये है लाख रुपए की बात। फर्दर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन सच केसेस इफ जीटी ऑप्ट्स टू पे 5% द टैक्स लायबिलिटी फॉल्स ऑन सेड रिसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज। जीटीए दो तरह रहता है, 5 और 12, 5% में आरसीएम लगता है, ठीक है ना, अगर 5% से ऑप्ट करते हैं तो। ये पढ़ाया था जीटीए के अंदर, एक चार्ट बनवा के बताया था, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात, नहीं तो मैं एक बार दिखाई देता हूं आपको, ये रहा मैंने पढ़ाया था, मुझे अच्छे से याद है। 750-1500 वाला क्राइटेरिया भी अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, उसकी कोई बात नहीं, ये आप लोगों को बताया था, ठीक है, ये पूरा के पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। एक बार इसको फिर से रिवाइज आप चाहो तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर से नहीं बताऊंगा, एक सेकेंड, हाँ जस्ट मिनट बेटा, वापस वो पेज पे आता हूं। तो जीटीए कैसे पहचानना सर, वो को सवाल तो वहीं का वहीं रह गया, हाँ जीटीए कैसे पहचानना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जीटीए हैज बीन डिफाइंड इन द नोटिफिकेशन टू मीन एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सर्विस तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स से नॉर्मल मैं भी दे रहा हूं सर, एंड इश्यूज कंसाइनमेंट नोट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। क्या इश्यू करता है, कंसाइनमेंट नोट। सर कंसाइनमेंट नोट मतलब क्या, ध्यान दें, मीन्स अ डॉक्यूमेंट, अगर सरल भाषा में बोलूं ना, कभी ट्रांसपोर्ट किया हो ना बेटा, बिल्टी मिलती है, क्या मिलती है, बिल्टी, बिल्टी मतलब समझता है, बिल्टी, कंसाइनमेंट नोट बोलते उसको, मीन्स अ डॉक्यूमेंट
issued by GTA against the receipt of goods for purpose of goods for the purpose of transport of goods or by road in the goods carriage, which is serially numbered and contains name of the consigner and consignee, registration number of goods carriage, मतलब registration number है ना हर, अरे RTO registration number नहीं रहता क्या, MH31 ये वो, details of goods transported, details of place of origin, destination, gross weight, GST and number of person liable to tax by the consigner, consignee or GTA, other particulars of prescribed for tax invoice. ठीक है, ये समझ में आया? अब इन रिलेशन टू मतलब क्या होता है थोड़ी देर बाद बताता हूं. आगे हाँ, ये तो आपका हो गया कंसाइनमेंट नोट के बारे में. Thus it can be seen that issuers of consignment note is sine qua non, मतलब इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इस यही तय करता है कि वो GTA है कि नहीं है, यही तय करता है. ठीक है, इफ सच कंसाइनमेंट नोट इज नॉट इश्यूड, सर्विस प्रोवाइडर विल नॉट कम विद इन द एम्बिट ऑफ GST. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कंसाइनमेंट नोट इशू हुआ है तो वो GTA में है, कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं हुआ तो वो GTA में नहीं है, और अगर वो GTA में नहीं है तो एग्जेम्पशन में आ जाएगा क्योंकि GTA की सर्विस ही एग्जेम्प्ट है, नहीं तो सर्विस बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ रोड इज नॉट टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट है, और GTA में है तो टैक्सेबल है. सॉरी, इफ कंसाइनमेंट नोट इज इशूड इंडिकेट्स द लीन ऑफ गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड एंड द ट्रांसपोर्टर बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड्स टिल इट सेव डिलीवरी टू द कंसाइनी, इट इज ओनली सर्विस ऑफ सच GTA हु अज्यूम्स एजेंसी फंक्शन दैट हैज नॉट बीन बॉट अंडर GST नेट. इसके बाद इंडिविजुअल ट्रक टेम्पो, हाँ याद ध्यान देना, इंडिविजुअल ट्रक टेम्पो ऑपरेट्स हु डू नॉट इशू एनी कंसाइनमेंट. आपको अपनी फ्रिज आपके घर से कहीं और शिफ्ट कराना है तो क्या कंसाइनमेंट नोट इशू करता क्या वो आपको टेम्पो वाला? नहीं करता सर. तो उसका क्या, वो कहाँ है, वो GTA के अंदर इज नॉट कवर्ड विद द मीनिंग ऑफ GTA. एज अ रिजल्ट अगर वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है बाय सच इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर हु डू नॉट इशू कंसाइनमेंट नोट विल बी कवर्ड एट एंट्री 18, covered by the entry at entry 18 of notification which are exempt from GST. ये आर ए, इसको मिटा दो, ये काट देना, exempt from GST. अभी example देखिए, बहुत अच्छा example है. हरि प्रसाद owns a truck and operates itself. He carries goods booked for his truck without issuance of consignment note. ये क्या service हुई? Exempt. Nishant owns a truck which he has rented to Sindhu and Bansal Transport Agency. GTA service by way of giving on hire means of transportation of truck of goods in GTA are exempt from tax while entry 22 of notification discuss later and not 18. अब इसमें क्या है, ये कौन सी सर्विस है? निशांत के पास ट्रक है, उसने GTA को हायर पे दे दिया. अब GTA तो जिसको सर्विस देगा कंसाइनमेंट इश्यू करेगा तो वो तो टैक्सेबल है. अब समझ रहे हैं यहां क्या हुआ, तीन लोग है, एक निशांत है और मान लीजिए मैं GTA हूं और ये मिस्टर एक्स या आप हो, मैं आपको सर्विस दूंगा लेकिन ये जो ट्रक है ना मेरे पास ये मुझे निशांत ने दिया है हायर पे, मैंने इस ट्रक से आपको सर्विस दी तो ये तो GST के दायरे में आएंगी, इसका क्या? तो ये 22 एंट्री नंबर में एग्जेम्प्ट है, जरा ध्यान दोगे तो पता चलेगा. इधर देखो एंट्री नंबर 22 आगे है, एक सेकंड बता देता हूं, लगे हाथ वो एंट्री हम कवर कर लेते ज्यादा बढ़िया रहेगा. ये रहा बेटा 22 गिविंग देम ऑन हायर, ठीक है, इसमें तो ये मैं अभी पढ़ाऊं कि बाद में ले लेते हैं, अभी एंट्री नंबर 22, वैसे इसमें अमेंडमेंट है बाद में लेंगे इसको, ज्यादा बेटर है, अमेंडमेंट है, अच्छा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है. 22 याद रखना बस, एंट्री नंबर 22 में एग्जेम्पशंस है. अब बात आती है, ये तो आपका हो गया. अब ये एक और चीज यहां पे लिखा हुआ है, हजी हरि प्रसाद का आपका हो गया एग्जाम्पल. और हाँ, इन रिलेशन GTA के डेफिनेशन में लिखा है इन रिलेशन टू, ये वर्ड यूज किया, ये वर्ड क्यों यूज किया? इट इंक्लूड्स नॉट ओनली एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन बट ऑल्सो वेरियस इंटरमीजरी और एंसिलरी सर्विस. क्या करता है GTA? सिर्फ गुड्स डाल के लेकर जाता नहीं है,
लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग अनपैकिंग ट्रांसशिपमेंट टेम्पररी वेयर हाउसिंग ये सब भी वो करके देता है. तो ये भी कायम है प्रोवाइड, ये सब एंसिलरी सर्विस है बेटा. दीज आर प्रोवाइडेड इन कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड. जो गुड्स आप रोड में भेज रहे हो उसके लिए ही ये सर्विस प्रोवाइड है, क्योंकि ट्रक में डालना पड़ेगा, अनलोड करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा, अनपैक करना पड़ेगा, ये सब तो करना पड़ेगा ना. दीज सर्विस आर नॉट प्रोवाइडेड एज इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट सर्विस नहीं है. तो ये क्या हो गई, एंसिलरी टू प्रिंसिपल सर्विस, एंसिलरी टू मेन सर्विस. मेन सर्विस क्या है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन. क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, उसकी है सॉरी एंसिलरी सर्विस. एंसिलरी सर्विस है. इनवॉइस जो इशू किया जाता है इंक्लूड्स वैल्यू, अब ये लोडिंग अनलोडिंग की वैल्यू उसमें इंक्लूड रहती है. जो कंसाइनमेंट नोट इशू होता है भाई, जैसे 400 रुपए में एक पार्सल डाल रहे हैं उसमें लोडिंग अनलोडिंग सब आ जाता है. इन व्यू ऑफ दिस, if any intermediary or ancillary service is provided in relation to transport of goods by road and charges for any service are included in invoice, such service would form part of GTA service being a composite supply. यानी ये क्या हो गया, याद करो वर्ड बताया था, naturally bundled. और नेचुरली बंडल में क्या होता है, नॉर्मल रेट लगता है जो जीटीए को, या एग्जेम्पशन होगा तो एग्जेम्पशन मिले, इसको सेपरेट सप्लाई नहीं मानेंगे. लेकिन हाउएवर इफ सच इंसिडेंटल सर्विस प्रोवाइडेड सेपरेट सर्विस एंड चार्ज सेपरेटली और सेपरेट इनवॉइसेस बनते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, सेपरेट सप्लाई मानेंगे. भी अगर अलग ही बना रहे हैं आप, इच्छा अलग करने की तो अलग कर सकते हैं, ठीक है. इसके बाद एंट्री नंबर 21 में देखिए कुछ एग्जेम्पशन दिया है. हाँ, और ये लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग वगैरह के बारे में तो अलग पढ़ा था अपन ने, ये सर्विस एग्जेम्प्ट भी रहती है. ये आपको याद है कि नहीं पता नहीं, मैं बता देता हूँ. सर्विसेज ऑफ लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग रीपैकिंग इसके बारे में देखा था. आई होप आपको याद होगा, जो बता ही देता हूँ. ये रहा सर्विस बाय वे लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग, ये है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, राइस, सिर्फ राइस के बारे में देखा था, ठीक है ना. बाकी कंफ्यूज मत हो जाना दूसरे से कि कहीं और भी देखा था सर. एंट्री नंबर 20, अब ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. एंट्री नंबर 20 और 21, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और बाय वेसल फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनादर फॉलोइंग गुड्स. इनका अगर आप इन चीजों को ले जा रहे हो तो भैया एसी में ले जा, बिना एसी में ले जा, कुछ भी कर, एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. रिलीफ मटेरियल मीन फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड डिजास्टर्स कैलामिटीज एक्सीडेंट मिशैप. डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट्स ले जाते हैं उस पर भी टैक्स नहीं लगता. न्यूज़पेपर मैगजीन रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर. रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिक्स सॉल्ट मिल्क सॉल्ट फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग फ्लोर पल्सेस एंड राइस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर. ये आई होप ये समझाने की जरूरत नहीं, ये सब चीजों को ले जाते हैं, देश हित की चीजें हैं, इनको जाने दो. एंट्री नंबर 21, सर्विस बाय, अब ये जो सर्विस थी बाय रेल या वेसल था, अब आ गया GTA, ठीक है, बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स कैरियर. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिल्क, बी और सी इंटेंशनली छोड़ा है, दो मिनट रुकिए. मिल्क सॉल्ट फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर पल्सेस राइस ऑर्गेनिक मैन्योर न्यूज़पेपर मैगजीन रिलीफ मटेरियल डिफेंस. इसको पता है कैसे याद रखना, डॉक्टर नमो, वैसे मेमोरी टेक्निक्स देता नहीं हूं लेकिन अपने मोदी जी है इसलिए याद है. A for agriculture produce, O for organic manure, M for milk salt, N for newspaper, R for relief, D for defense. Dr. Namo, Dr. Narendra Modi, ठीक है, ये ध्यान रख लेना. अब ये दो चीजें, ये वो आपके 1500 और 750 वाली कहानी है बेटा, ध्यान देना इसके ऊपर. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन समझ जाएगा हम बैठे हैं. गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन. अब ये सर्विस किसने दी बेटा, जीटीए ने, जीटीए की बात है, ठीक है. ऐसे गुड्स जहां कंसिडरेशन जो चार्ज किया जा रहा है ना कंसाइनमेंट पे, ट्रांसपोर्ट इन सिंगल कैरियज डज नॉट एक्सीड 1500. एक छोटा ट्रक है, बड़ा ट्रक है, कुछ भी है, लेकिन वो जो सिंगल कैरियज में जो भी गुड्स है वो 1500 रुपए के ऊपर नहीं है. यानी फ्रिज, मान लीजिए आप अपने घर से फ्रिज, सॉरी आप दुकान से, कोई दुकान से टीवी फ्रिज खरीदते हो और वो टीवी फ्रिज
आप अपने घर ले जाते हो, 20 किलोमीटर आपका घर दूर है, और वो आप उसको हायर करते हो, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को हायर करते हो, कंसाइनमेंट नोट आपको दिया जाता है, और लेकिन वो 1300 रुपए में आपका फ्रिज इधर से उधर ले जा रहा है, और कुछ नहीं है उसके ट्रक में, सिर्फ आपका अकेले का फ्रिज है और कुछ भी नहीं है, और उसकी कीमत 1300 रुपए वो चार्ज कर रहा है, 1500 रुपए से कम है एग्जेम्प्ट। सी पॉइंट, सर ये तो समझ गया, अब सी में कंफ्यूजन होगा, जरा ध्यान देना। सी में लिखा है गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स फॉर सिंगल कंसाइनी डज नॉट एक्सीड 750। गुड्स ट्रक में बहुत सारे गुड्स है, मेरे, मिस्टर ए के, मिस्टर बी के, सी के, डी के, बहुत सारे लोगों के, लेकिन एक आदमी के यानी मेरे भले 3 पार्सल हो, उसकी टोटल का वैल्यू जो है सिंगल कंसाइनी एक आदमी के 750 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आई होप समझ तो आया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको क्लियर करूंगा। 2 मिनट एक रुकिए, मेरे पास एक एग्जाम्पल है, उसके पहले मैं आपको एंट्री नंबर 20B पढ़ाना चाहूंगा। Services provided by GTA by way of transport of goods in goods carriage to department or establishment of central government or state government, union territory, local authority, government agency which has taken registration under CGST Act only for the purpose of deducting tax under section 51, ये TDS वाला section है GST का, and not for making taxable supply। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था, हालांकि ये CA final level पे है, अभी ये है नहीं, यानी गवर्नमेंटल एजेंसी जिसने रजिस्ट्रेशन क्यों लिया जीएसटी एक्ट पे, सीजीएसटी एक्ट में सिर्फ टीडीएस काटने के हिसाब से, बराबर है, इनको अगर जीटीए कोई सर्विस देता है तो एग्जेम्प्ट है। ये समझ में आ गया। अब मैं आता हूं 1500-2000 वाले क्राइटेरिया पे, और जरा आप ध्यान देना, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए। अभी इसके अंदर मान लीजिए एक ट्रक मैंने हायर किया, ठीक है, नंबर वन हायर्ड फुल ट्रक, पूरा ट्रक बोलो, छोटा हाथी बोलो, जो भी ट्रक, फुल ट्रक पकड़ लेता हूं मैं, पूरा ट्रक मैंने हायर किया और इसमें सिर्फ मेरे गुड्स हैं, ओनली माय गुड्स, जो भी मेरे गुड्स होंगे, ठीक है, 2 केस, और उसके टोटल चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के पूरे टोटल चार्जेस 1100, केस ए, केस वन, केस 1100 नहीं लेता, 1700 लेता, बोलो 1100 रहेगा तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट, 1700 रहेगा तो क्या होगा, टैक्सेबल। अब ये 1700 रहेगा तो पूरा 1700 टैक्सेबल हो जाएगा, ये दिमाग मत लगाना कि भैया 1500 है, नहीं 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 नहीं, पूरा के पूरा 1700 टैक्सेबल हो जाएगा भैया, ये बात ध्यान रखना। ये जो 1500 है ये एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 1500 के ऊपर गया तो टैक्सेबल, 1500 के नीचे है तो पूरा एग्जेम्प्ट। इस इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इट इज नॉट एग्जेम्पशन लिमिट, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ करोगे। ये हायर्ड ट्रक, ठीक है, अब इसमें सिर्फ मेरे गुड्स जा रहे थे, ठीक है। दूसरा केस, मैंने ट्रक हायर किया लेकिन फुल ट्रक हायर नहीं किया, मैंने क्या किया, अब ट्रक हायर किया मैंने, मतलब हायर किया लेकिन आप समझ लीजिए कि उसमें और भी लोगों के गुड्स हैं, मेरे अकेले के गुड्स नहीं है, जरा ध्यान देना है आप, ये देखिए, ऑल सच गुड्स फॉर सिंगल कंसाइनी डज नॉट एक्सीड 750। हाँ सॉरी, ये सिंगल कैरिएज की बात है, यहां सिंगल कंसाइनी, ऑल सच गुड्स फॉर सिंगल कंसाइनी, मेरे अकेले के लिए 750 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब समझिए बात को, फुल ट्रक हायर करो या मत करो उससे मतलब नहीं, सिंगल कंसाइनी मतलब मैंने समझ लीजिए ट्रक हायर किया, हायर ट्रक, इसमें मेरे गुड्स भी हैं, माय गुड्स, ओनली माय गुड्स नहीं है, माय गुड्स भी हैं। तो अब समझना, 2 केस आपको फिर बताता हूं। एक केस के अंदर 600 रुपये लगता है और एक केस में लगता है 900 रुपया, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, सर ये एग्जेम्प्ट, ये टैक्सेबल, लिमिट क्या है,
लिमिट क्या है? 750। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, आगे। तब इसके अंदर ये तो हो गया आपका। हाँ, इसके लिए बेटा मेरे पास चार्ट है, तो मैं आप लोगों को चार्ट बनवा देता हूँ। आई हैव प्रिपेयर्ड चार्ट्स फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस, तो बहुत आसान है वैसे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट था इसके पहले जो देखा था, अब गुड्स और सर्विस की बात कर रहा हूं। अब इसमें देखिए तीन चीज है, एक तो रोड से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट होता है रोड से, ट्रांसपोर्ट बाय रोड। तो ट्रांसपोर्ट बाय रोड में क्या होगा? जीटीए कुरियर, दो चीज आती है। GTA कुरियर या अदर रोड ट्रांसपोर्ट। तो GTA और कुरियर जो है वो टैक्सेबल है और अदर रोड एग्जेम्प्ट। ठीक है, GTA कुरियर टैक्सेबल है, अदर रोड एग्जेम्प्ट है। इसके बाद रोड के बाद क्या आएगा? रेलवे। रेलवे का क्या है? फुल्ली टैक्सेबल, रेलवे में कोई एग्जेम्पशन नहीं है। कुछ, हाँ कुछ गुड्स है जो एग्जेम्प्ट है, रेलवे अगर ले जाती है न्यूज़पेपर वगैरह, फूड ग्रेन्स, डिजास्टर कैलेमिटी एक्सेट्रा। फुल्ली मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बाकी की नहीं। इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवे ये भी एग्जेम्प्ट है बेटा, ये भी एग्जेम्प्ट है। अच्छा, और ये फिर आपका एयर, एयर का क्या होगा? उसका भी आप देख सकते चाहो तो। एयर के अंदर दो चीज है, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड टू कस्टम स्टेशन। आपने कस्टम स्टेशन के बारे में देखा होगा, अभी इसके अंदर मैंने आपको बताया था। ये देखिए, यहाँ आया नहीं गया कस्टम स्टेशंस का। एयर का दोस्तों मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ। ये एयर में एक अमेंडमेंट भी है, अमेंडमेंट है इसके अंदर, एंट्री एक नई इंट्रोड्यूस हुई है। ये थोड़ा सा आप इसके लिए रुक जाइए, जगह छोड़ दीजिए इसके लिए, मतलब जहाँ भी ड्रॉ करोगे जगह छोड़ देना। एयर का मैं आपको थोड़ी देर में, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, शायद इस लेक्चर में नहीं आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, तो मैं यहाँ पे वापस आके आपको ये कवर करवा दूंगा, ठीक है ना। अभी पढ़ा के मतलब नहीं है वो, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको ट्रक वगैरह इसका। एयर के साथ एक और चीज है, पाइपलाइन वगैरह, वो बाद में उसके अंदर एंट्री में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कवर हो गया हमारा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अब एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 तीनों क्वेश्चन हमारे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से रिलेटेड है। टेन, इलेवन एंड ट्वेल्व, यस। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड जीएसटी लायबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेल बाय इंडियन रेलवे विद इन इंडिया, ऑल सम एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, इंफॉर्मेशन रिलेट टू द मंथ ऑफ नवंबर 2019, ठीक है। चलिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ पोस्टल मेल एंड पोस्टल बैग टैक्सेबल है, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा, लायबल टू जीएसटी टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट ऑफ हाउस होल्ड इफेक्ट, ये भी टैक्सेबल है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये भी टैक्सेबल है। रिलीफ मटेरियल टू फ्लड अफेक्टेड एरिया एग्जेम्प्ट। न्यूज़पेपर मैगजीन रजिस्टर्ड एग्जेम्प्ट। मिल्क एग्जेम्प्ट। टी, मिल्क पढ़ा था, टी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है ना।
टी टैक्सेबल है, शुगर के बारे में कुछ नहीं पढ़ा टैक्सेबल, अल्कोहलिक बेवरेज सवाल ही नहीं उठता टैक्सेबल है, डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट एग्जेम्प्ट, ऑर्गेनिक मैन्योर एग्जेम्प्ट, ब्लेडेड कॉटन बोलो कुछ पढ़ा नहीं इसके बारे में टैक्सेबल, ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर गुड्स तो टैक्सेबल ही रहता है। सही बात समझ, जो लिखा है उतना ही एग्जेम्पशन देने का, अपना दिमाग लगाना नहीं। अरे सर कॉटन भी तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ना, हाँ मैंने कब बोला, लेकिन लिखा है क्या कॉटन का नाम लिखा है क्या, टी शुगर नहीं लिखा मिल्क लिखा है, तो उसका अपन क्या कर सकते, जितना लिखा है उतना देने का। आई बात समझ में, चलिए 10th तो बहुत आसान था बेटा, हाँ 11th में बड़ा मजा आएगा, जरा ध्यान देना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ एक्स वाई जेड ट्रांसपोर्ट कंपनी एंगेज इन बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड फॉर द सम मंथ ऑफ अप्रैल 19, गिव रीजन फॉर टैक्सेबिलिटी और एग्जेम्पशन ऑफ ईच आइटम, सुटेबल अजम्पशन मे बी मेड वेयर एवर रिक्वायर्ड, एक्स वाई जेड ट्रांसपोर्ट कंपनी अवेल आईटीसी जीएसटी लायबिलिटी 12%, ठीक है। टोटल फ्रेट चार्जेस रिसीव्ड बाय ट्रांसपोर्ट कंपनी, 13.5 लाख के फ्रेट चार्जेस इन्होंने रिसीव किए, फ्रेट चार्जेस रिसीव फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्रूट्स 1,25,000, फ्रेट कलेक्टेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्मॉल कंसाइनमेंट फॉर पर्सन हु पेड लेस देन 750 फॉर ईच कंसाइनमेंट 75,000, फ्रेट कलेक्टेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्मॉल व्हीकल्स फॉर अ पर्सन हु पेड लेस देन 1500 पर ट्रिप। बेटा ये 1.5 लाख भी माइनस करते हैं, 75 भी माइनस करते हो, ट्रांसपोर्टिंग फ्रूट्स ये भी एग्जेम्प्ट है, ये तीनों माइनस करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टिंग फ्रूट्स एग्जेम्प्ट है एक्ट नंबर 21, आपको एक बार दिखा देता हूं, याद है कि नहीं पता नहीं, देख लीजिए एक बार, ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। एंट्री नंबर 21 ये देख लो, मिल्क सॉयल फ्लोर प्रोसेस राइस और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स आर आल्सो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्योंकि फ्रूट्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी कल्टीवेटर जो कल्टीवेट करता है, तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर ही आएंगे, ठीक है ना। और ये 1500 और 2000 वाला तो आपको मैंने अभी बताया है, दैट मीन्स कितना आसान क्वेश्चन था। अब आप देख लो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं, 12वां क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ये होमवर्क, ये टैग फ्रॉड टीडीएस यानी सेक्शन 51 है। अरे यार बहुत आसान क्वेश्चन है, फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन अप टू 15, ये होमवर्क 12th वाला होमवर्क बहुत आसान है बेटा, इसको आप देख लेना, ये आपको पढ़ाया हुआ उसी के अंदर से है, ठीक है। 12th वाला होमवर्क 13th बैंक से रिलेटेड, 13th और 14th दोनों बैंक से रिलेटेड है, 15th एडवोकेट सर्विस, ठीक है। सबसे पहले बैंकिंग सर्विस के बारे में आपको करिए, बैंक सर्विस रिलेटेड आपको पहले पढ़ा देता हूं, बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस, इसमें दो एंट्री है। सबसे पहले सर्विसेज बाय आरबीआई एग्जेम्प्ट, ठीक है, सीधी बात है, आरबीआई की सर्विस एग्जेम्प्ट। सेकेंड सर्विस बाय वे ऑफ, आपको मालूम है बेटा इंटरेस्ट इज ऑल्सो सर्विस, लोन देना इज ऑल्सो सर्विस, और उसका कंसिडरेशन क्या है इंटरेस्ट, तो उसको एग्जेम्प्ट रखा गया है, जरा ध्यान देंगे इसके बारे में। और तीन चीजें और लिखी है लेकिन उसकी बात बाद में करेंगे, पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट है एंट्री नंबर 27, ठीक है, ध्यान देना। सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन एडवांसेस इन सो फार एज कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट अदर देन इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड सर्विस, यानी क्रेडिट कार्ड चीज समझ लो, क्रेडिट कार्ड सर्विस, क्रेडिट कार्ड सर्विस पे जो इंटरेस्ट लगता है उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ये एक ही इंटरेस्ट है जिसपे जीएसटी है, क्रेडिट कार्ड सर्विस पे जो जीएसटी लगता है, सॉरी क्रेडिट कार्ड सर्विस पे जो इंटरेस्ट लगता है उसपे जीएसटी आएगा, ये बात गांठ बांध लो बेटा, ठीक है ना, ये समझ में आया आपको इतनी बात, ठीक। इंटर से सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, इंटर से यानी इन बिटवीन, अमॉन्गस्ट बैंक और ऑथोराइज्ड डीलर्स और फॉरेन एक्सचेंज और अमॉन्गस्ट बैंक एंड सच ऑथोराइज्ड डीलर्स, मतलब क्या हुआ, फॉरेन करेंसी जो बेच रहे हैं, एक बैंक दूसरे बैंक को बेच रही है, एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर दूसरे फॉरेन एक्सचेंज डीलर के साथ कर रहा है, चलेगा,
या एक बैंक दूसरे फॉरेन एक्सचेंज डीलर के साथ करती है, या एक फॉरेन, जो भी वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये तीनों को इस एंट्री में कवर किया गया है, एंट्री नंबर ये 27 का पार्ट बी, ठीक है। सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन एडवांस इन सो फार एज कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे इंटरेस्ट और डिस्काउंट, द वर्ड डिपॉजिट एडवांस हैज बीन टेकन इन जेनरिक सेंस, दे वुड कवर एनी फैसिलिटी बाय विच अमाउंट ऑफ मनी इज लेंट और अलाउड टू बी यूज और रिटेन ऑन पेमेंट विच इज कॉमन कॉल्ड एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको आप इंटरेस्ट या डिस्काउंट बोलते हो, कोई भी नाम से बोलो उसको क्या कहेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पैसे यूज करने दिया उसका कंसिडरेशन। दिस एंट्री वुड नॉट कवर इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ इक्विटी और एनी अदर मैनर वेर इन्वेस्टर इज एंटाइटल टू शेयर प्रॉफिट, डिविडेंड वगैरह ये सब कवर नहीं रहेगा। इंटरेस्ट का मतलब आपको यहाँ लिखा हुआ है, पैसे यूटिलाइज, क्रेडिट फैसिलिटी यूटिलाइज करने के लिए जो पेमेंट रहता है, तो आप अमाउंट बोरो करते हो, डेब्ट इनकर करते हो, मतलब सर्विस फीस वगैरह नहीं रहती है, वो सब चीज अलग हो गई। सर्विस फीस, एनी अगर एनी अदर चार्ज रहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड, क्रेडिट फैसिलिटी, वो चीज अलग है। लेकिन अगर इंटरेस्ट फॉर्म में वो रहता है पैसा यूज करने के लिए, क्रेडिट फैसिलिटी देने के लिए, कंसिडरेशन क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट यहाँ पे आता है, मतलब वो एग्जेम्प्ट है। आई बात समझ में? इसका इलुस्ट्रेशन भी देखिए बहुत सारे दिए हुए हैं, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, अदर सच डिपॉजिट इन अ बैंक, उसके रिटर्न में आपको इंटरेस्ट मिलता है, एग्जेम्प्ट। लोन ओडी क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी, इंटरेस्ट मिलता है, एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट आप देते हैं। मॉर्गेज लोन कोलेटरल सिक्योरिटी, उसके बदले में बैंक इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट लेता है, एग्जेम्प्ट। कॉर्पोरेट डिपॉजिट टू द एक्सटेंड कंसिडरेशन एडवांसिंग सच लोन, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, एग्जेम्प्ट। अब समझना, एक चीज समझना, सर्विस चार्जेस फीस, डॉक्यूमेंटेन फीस, ब्रोकिंग चार्जेस, ब्रोकिंग यानी दलाली ब्रोकरेज, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, एंट्री चार्जेस लाइक फीस कलेक्टेड ओवर एंड अबव इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस डिपॉजिट आर नॉट एक्सेम्प्ट एंड दस रिप्रेजेंट टैक्सेबल कंसिडरेशन, चीज समझ लेना। उसके बाद इनवॉइस डिस्काउंटिंग, चेक डिस्काउंटिंग, अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ डिस्काउंटिंग कवर्ड ओनली टू एक्सटेंड कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंट बाय वे ऑफ डिस्काउंट एज डिस्काउंटेड इन द मैनर ऑफ एक्सटेंडिंग क्रेडिट फैसिलिटी और लोन। डिस्काउंटिंग चार्जेस कोई प्रॉब्लम नहीं, वो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट, डिले पेमेंट चार्जेस, चार्ज टू क्लाइंट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज अमाउंट सेटलमेंट एक्सेट्रा विच आर नेचर ऑफ एक्सटेंडिंग लोन्स एंड आर कवर्ड इन एंट्री 27। तो ये सारी चीजें एग्जेम फ्रॉम जीएसटी है। चार्जेस फॉर लेट पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑन क्रेडिट कार्ड लायबल टू जीएसटी। क्रेडिट कार्ड तो एक सबसे बड़ा एक्सेप्शन है, ठीक है ना, लिखा था क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट एक्सेप्शन। अब सर्विस प्रोवाइडर बैंक ऑथोराइज डीलर, ये आपको अभी बताया भैया, ऑथोराइज डीलर कौन होता है, जो फॉरेन करेंसी रख सकता है, फेमा में रजिस्ट्रेशन रहता है, आरबीआई परमिशन देती है उसको, बराबर है। बैंक और बैंक के बीच में फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग होती है, एग्जेम्प्ट। फॉरेन एक्सचेंज डीलर और फॉरेन एक्सचेंज डीलर, एक डीलर से दूसरे डीलर से डीलिंग होती है, एग्जेम्प्ट। बैंक और फॉरेन एक्सचेंज डीलर के बीच में भी डीलिंग हुई तो वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये भी बहुत आसान है, एंट्री नंबर 27A, सर्विसेस By an acquiring, sorry, services provided by banking company, basic saving bank deposit, account holders under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. ये service जो banking company इनको देंगी exempt रहेगा। सर्विस बाय वे ऑन एक्वायरिंग, में इसका आपको समझा देता हूँ, पॉस्ट टर्मिनल की बात है ये बेटा। पॉस्ट टर्मिनल मतलब पता है क्या होता है, जैसे आप समझिए आप कहीं शॉपिंग करने जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो तो वहां पे अगर आपको कार्ड स्वैप करना है तो एक मशीन रहती है, कार्ड स्वैपिंग मशीन। अब इसके अंदर एक एक्वायरिंग बैंक रहती है, एक्वायरिंग बैंक मतलब जैसे मैं हूं, मेरे शॉप पे मान लीजिए वो कार्ड स्वैपिंग मशीन लगी हुई है, तो मेरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो एक्वायरिंग बैंक हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी जिस बैंक का पॉस्ट टर्मिनल है वो है एक्वायरिंग बैंक। अब आपने एचडीएफसी बैंक का कार्ड दिया या आपने इंडसइंड बैंक का कार्ड दिया या आपने आईसीआईसीआई का कार्ड दिया, वो एक्वायरिंग बैंक नहीं है। एक्वायर यानी कौन एक्वायर कर रहा है पैसे, कौन कर रहा है, जिस बैंक का, उस मर्चेंट का, उस दुकानदार का अकाउंट जिस बैंक में होगा, जहां से वो लिंक होगा, उसको हम बोलेंगे बेटा एक्वायरिंग बैंक। तो अगर आपने 2000 या अप टू 2000 या उससे कम का ट्रांजेक्शन किया है, सिंगल ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्टेड आइदर थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड, पेमेंट कार्ड, तो उसके ऊपर जीएसटी, जो भी सर्विस है, जो भी सर्विस चार्जेस दी लिए जाते हैं एक्वायरिंग बैंक के, उस पर कोई तरह का जीएसटी नहीं लगेगा। आई बात समझ में? एक्सप्लेनेशन, अब इसका एक्सप्लेनेशन एक्वायरिंग बैंक का जो मैंने आपको बताया वो यहां पे लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है।
इसके बाद आते हैं एंट्री नंबर 39A, जरा 39A भी देख लो। सर्विस बाय एन इंटरमीडियरी, ये है IFSC के बारे में, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर लोकेटेड इन मल्टी सर्विसेज या इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर, स्टेटस ऑफ अ कस्टमर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया फॉर IFSC सर्विसेज इन करेंसी, फॉर इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस करेंसी अदर देन इंडियन रूपीज, इंडियन रूपीज के अलावा जो भी रहे। अब इसके पर्पस के लिए एक एक्सप्लेनेशन भी दिया है, वो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एंट्री, इंटरमीडियरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इज अ पर्सन, ये चार लोगों को माना गया। अब ये नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एक बार आप पढ़ना है तो इसको पढ़ सकते हो, विशेष इसके अंदर कुछ है नहीं। तो बेसिकली जो बताना था वो ये था सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर, एंट्री नंबर 27 वेरी इंपॉर्टेंट। अब इससे रिलेटेड बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है, वो अब अपन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा 13 देखते हैं। जीएसटी एक्ट 2017 डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द बैंक, इन एक्टिविटीज की टैक्सेबिलिटी आपको बतानी है। बैंक एक्सटेंडेड हाउसिंग लोन ऑफ 50 लाख टू मिस्टर ए, 50 लाख का हाउसिंग लोन दिया। अब बताइए ये 50 लाख का जो हाउसिंग लोन दिया, सिर्फ लोन दिया, इसे कहते हैं बेटा ट्रांजेक्शन इन मनी, पैसा दिया, इंटरेस्ट इंटरेस्ट की अभी कोई बात नहीं है। सी पॉइंट में लिखा है बैंक रिसीव्ड 6 लाख एज इंटरेस्ट, ये एग्जेम्प्ट है जो हमने पढ़ा। हाउसिंग लोन दिया, क्या ये सर्विस है, क्या ये सर्विस है, याद करो सर्विस की डेफिनेशन, एनीथिंग अदर देन गुड्स, लेकिन कुछ एक्सक्लूड किया था सर्विस की डेफिनेशन में, अगर याद नहीं है तो याद दिला देता हूं। सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी सिक्योरिटीज, मनी मनी, क्या ये ट्रांजेक्शन इन मनी है, किसी को लोन देना, हाँ, बोरोइंग रीपेमेंट ऑफ लोन्स, बोरो करना ट्रांजेक्शन इन मनी होता है, और एनीथिंग मनी को एक्सक्लूड किया है सर्विस में। तो जब सर्विस ही नहीं है तो जीएसटी लगने का सवाल ही नहीं, गुड्स तो है नहीं, सर्विस नहीं है तो जीएसटी लेवी ही नहीं होगा। आई होप आप समझ रहे हो, दिस इज ट्रांजेक्शन, सेम इज ट्रांजेक्शन इन मनी, देयरफॉर नॉट रिगार्डेड एज सर्विस एज पर डेफिनेशन ऑफ सर्विस, काम खत्म। बैंक रिसीव 50,000 एज लोन प्रोसेसिंग फीस फ्रॉम ए, 50,000 लोन प्रोसेसिंग फीस को इंटरेस्ट नहीं कहा जाता, मतलब ये जो 50,000 है इस पे बेटा 18% जीएसटी है रेट, सर्विस पे जनरली सब में रेट 18% है, 95% केसेस में सर्विस में आपको ये बता दूं रेट 18% है, नहीं तो एग्जाम में दिया रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, रेट याद नहीं करने। तीसरा है बैंक रिसीव 6 लाख एज इंटरेस्ट, ये टैक्सेबल है कोई भी, सॉरी ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है, नॉट लायबल फॉर जीएसटी क्योंकि एंट्री 27 के अंदर ही एग्जेम्प्ट है। आई बात समझ में, चलिए अब एक और क्वेश्चन दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अपना बैंक लिमिटेड अ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल कॉपरेटिव कमर्शियल बैंक हैज फर्निश्ड यू द फॉलोइंग डिटेल फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट, ठीक है। एक्सटेंडेड हाउसिंग लोन टू इट्स कस्टमर, अगेन हाउसिंग लोन दिया, कितने करोड़ का, 100 करोड़ का, ट्रांजेक्शन इन मनी, नॉट टैक्सेबल, बराबर है, देखो यहां लिखा भी होगा ट्रांजेक्शन इन मनी, बराबर है। इस टाइप के आपको रीजन डालने पड़ेंगे, ये बेस्ट मेथड है बेटा, वर्किंग नोट ऐसा एक कॉलम बना लो, इधर लिख दो, एक कॉलम बनता है, सी नोट बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती इसमें। प्रोसेसिंग फीस कलेक्टेड फ्रॉम इस कस्टमर ऑन सेक्शन ऑफ लोन, प्रोसेसिंग फीस टैक्सेबल है, बिल्कुल टैक्सेबल। कमीशन कलेक्टेड ऑन बैंक गारंटी टैक्सेबल है, इंटरेस्ट थोड़ी है। इंटरेस्ट इनकम ऑन क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इनकम स्पेसिफिकली, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट स्पेसिफिकली टैक्सेबल है, आपको बताया था ये चीज। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड बाय बैंक एग्जेम्प्ट। मिनिमम बैलेंस चार्जेस कलेक्टेड, ये अलग चार्जेस है, टैक्सेबल। 1, 2, 3, 4 आसान है, इस टाइप के ही क्वेश्चन इस सब्जेक्ट इस चैप्टर से एग्जाम में आएंगे, 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। अभी आप क्वेश्चंस करोगे ये तो मैंने अभी देखो, ये क्वेश्चन 6 मार्क के लिए मई 2019 एग्जाम में आया है, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया ये बैंकिंग, और उसी बेसिस पे बस 6 में से 6 पता है कब मिलते हैं, जब रीजन के साथ लिखूंगे। ये जो वर्किंग नोट ये मैंने बनाया ना, ये कंचे खेलने के लिए नहीं बनाए हैं, ठीक है, ये ऐसा रीजन लिखना पड़ता है, इसलिए सब इज्जत से छाप के दिया है। और ये नोटिफिकेशन नंबर तो याद कर लो, 12/2017 12/2 सीटी रेट, रेट मतलब रेट नोटिफिकेशन, ठीक है, ये तो आप याद ही कर लो, ये हर जगह लिख देने का, एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सीटी रेट, आई बात समझ में। तो ये लिखना पड़ेगा बेटा, तब जाके मार्क्स मिलेंगे, ये बात दिमाग में डाल लेना, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। अब ऐसे क्वेश्चन 6 मार्क के लिए आया, देख लो आपके सामने मई 2019 रिसेंटली,
एक साल हुआ है, तो बोला मार्क्स नहीं मिलेंगे क्या? और आपको पूरा पढ़ा है, और पढ़ाने आपने आप तो, आपने तो अभी तक खुद नहीं पढ़ा, मेरे पढ़ाने के साथ ही ये क्वेश्चन जम गया। इसीलिए बेटा ध्यान दो, और साथ में GST बहुत स्कोरिंग है, मेरी बात गांठ बांध के रख लो ये। और मैं वीडियोस आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं आराम से दे रहा हूँ, लाइव क्लास वालों बच्चों सुन लो, मैं आराम से दे रहा हूँ। उसका कारण है कि आप लोग आराम से देखते रहो, आपका रोज का रोज देखो, ये इंटेंशन है। नहीं तो अभी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता था, रोज वीडियोस भेज देता था। चीज समझ लो बात को, अभी तक नहीं तो यानी मतलब आगे नियर फ्यूचर, अभी तो ये सिलेबस हमारा 30 जून तक जाएगा, क्योंकि हम आराम आराम से चल रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना? तो ये उम्मीद ये है कि आप साथ साथ में कर रहे हो, 3 दिन में 2, ठीक है? चलिए बेटा 14th भी हो गया, अब वापस आ जाते हैं अपने इस पे। बैंकिंग सर्विस भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब देखते हैं आगे कौन सी सर्विस के बारे में है। लाइफ इंश्योरेंस सर्विस बेटा बहुत आसान है ये, इसमें और इसके आगे के वाले दोनों में, दोनों तीनों में समझाने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है? कुछ भी नहीं है। चलिए लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सर्विस कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, देखा गया है। सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एन्यूटी अंडर नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम रेगुलेटेड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आंसर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013। सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडर एग्री टू बी प्रोवाइडेड टू आर्मी नेवल ऑफिसर्स एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड टू इट्स मेंबर्स ऑफ आर्मी नेवल और एयरफोर्स रिस्पेक्टिवली अंडर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। Service of life insurance provided or agreed to provided by the Naval Group Insurance Fund to personnel or Coast Guard under the group's insurance scheme of the central government. Service of life insurance provided in the following scheme: Janashri Bima, Aam Aadmi Bima, Life Micro Product, maximum cover 2 lakh ka iske upar chala gaya to taxable, Varishth Pension Bima Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Pradhan Mantri Vay Vandan Yojana, हम इसके बारे में डेफिनेशन है, कोई मैसेज रेलेवेंट नहीं है, तो आप एक बार सिर्फ ये रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफिक बॉडीज, ये भी बहुत आसान है बेटा, ठीक है? क्या है इसमें? सर्विस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC, ठीक है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते EPFO, टू पर्सन गवर्न बाय एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविडेंट फंड एक्ट। सर्विसेज बाय कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, टू पर्सन गवर्न बाय कोल माइन प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट। नेशनल पेंशन ट्रस्ट टू इट्स मेंबर, IRDAI टू द इंश्योरर्स, सेबी सेटअप अंडर सेबी एक्ट बाय प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स सिक्योरिटी एंड रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट। बहुत आसान है, एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ये भी बता देता हूँ, चांसेस बहुत कम है, नहीं आते इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है? जनरल इंश्योरेंस, इसमें से भी क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अब आएगा, ये आर पॉइंट देख लो, ये इंसर्टेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2019, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, बिल्कुल क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड, आने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है? ध्यान रखना इसका, मतलब ये क्या है, ये बहुत सर्विसेज जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में कुछ सर्विसेज है, सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड अंडर फॉलोइंग स्कीम्स, इन स्कीम्स के अंदर जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस दिया जा रहा है, बहुत सारी स्कीम लिखी है, ये आप पढ़ सकते हो। एक बांग्ला सहस्य बीमा, ये स्कीम नई इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है? इसके बाद लिखा सर्विस बाय री इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस स्कीम स्पेसिफाइड इन सीरियल नंबर 35 और 36X, ठीक है? अब ये जो होता है री इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस करती है जिन लोगों का, कई बार रिस्क बहुत बढ़ जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो वो इंश्योरेंस कंपनी कुछ अपने क्लाइंट्स का री इंश्योरेंस करवा लेती है, मतलब समझे आपने? देखिए जैसे आप कस्टमर हो, मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं, ठीक है? आप आए अपना इंश्योरेंस मुझसे करवा लिया, तो रिस्क किसके पास है? मेरे पास। कुछ हुआ कम ज्यादा तो मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब कई बार मेरे से लोग इंश्योरेंस करवाते जा रहे हैं, मेरा इंश्योरेंस बहुत, मेरा रिस्क बढ़ते जा रहा है, तो मैं क्या करता हूं, जैसे 30%, 40%, 20% जितने मेरे रिस्क ज्यादा है, मैं उतने लोगों का क्या करता हूं, री इंश्योरेंस करवा लेता हूं किसी और कंपनी से, यानी अगर वो लोग क्लेम करेंगे तो मैंने भी री इंश्योरेंस करा के रखा है, मैं उनसे लूंगा और आपको दे दूंगा,
आई बात समझ में? तो ये सारी चीजों में री इंश्योरेंस भी आ जाता है। चलिए ठीक है। पेंशन स्कीम अगेन, सर्विस बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर अटल पेंशन योजना, सर्विस बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर एनी पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये कलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, जो लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते पेंशन स्कीम में, उनका कलेक्शन करने वाली जो सर्विस है ये एग्जेम्प्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत आसान है बेटा ये। एक आता है बिजनेस फैसिलिटेटर, इसको भी देख लेते हैं। अभी बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस करस्पॉन्डेंट के बारे में आपको थोड़ी कहानी बता देता हूं पहले, तो आपको समझने में बहुत आसानी जाएंगी। है बहुत सिंपल, है कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नाम है बिजनेस फैसिलिटेटर या करस्पॉन्डेंट, BFBC, ठीक है, बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस करस्पॉन्डेंट, ठीक। अब ये होता क्या है, देखिए बेटा, रूरल एरिया के अंदर बैंक की ब्रांचेस नहीं रहती है और वहां के लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी मिलना चाहिए, इसलिए 2006 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस दी और वो गाइडलाइंस के अंदर ये बोला कि भैया बैंक कैन अपॉइंट एनी पर्सन फर्म एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर और एज अ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट इन दैट रूरल एरिया। बैंक ऑथोराइज करेंगे किसी को। अब इसमें क्या हो रहा है, चीज समझना ध्यान से। RBI ने अलाउ कर दिया, बैंक ने, मान लीजिए आप, मैं बैंक हूं और आप, मैंने आपको बिजनेस फैसिलिटेटर अपॉइंट किया नरखेड़ में। एग्जाम्पल, नरखेड़ में कोई बैंक की ब्रांच नहीं, इमेजिन करिए एक गांव है नरखेड़ नाम का, वहां बैंक की कोई ब्रांचेस नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हूं मैं, मेरी कोई ब्रांचेस नहीं है। अब गांव के लोग बेचारे बिना बैंक के, ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं आपको अपॉइंट करता हूं, यू डू वन थिंग, आप मेरे बिहाफ में सर्विस प्रोवाइड कीजिए, किसी को अगर पैसे जमा करने हैं तो आपको दे देगा, आप मुझ तक पहुंचा दो, बराबर है, और किसी को पैसे विड्रॉ करने हैं तो आप दे दो। इस केस के अंदर ऐसी चीजों में बैंक की सर्विस आप दे रहे हो, लेकिन किसके बिहाफ में, मेरे बिहाफ में। लोगों ने आपको पैसे किसके बिहाफ में दिए सर, लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसे देख के दिए हैं, स्टेट बैंक को देख के दिए। अब इसमें कुछ चार्जेस रहते हैं जो कलेक्ट किए जाते हैं। अब आप फ्री में तो काम करोगे नहीं मेरे लिए, यू आर बिजनेस करेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर, आप फ्री में नहीं करोगे, मैं आपको कुछ फीस दूंगा, चार्जेस दूंगा, और वो चार्जेस मैं कस्टमर से भी कलेक्ट करता हूं, लेकिन ट्रांसपेरेंट मैनर में। आरबीआई ने बोला ट्रांसपेरेंट मैनर, यानी कस्टमर को बता रहे हैं कि इतना चार्ज हम कलेक्ट आपसे कर रहे हैं ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने का, और कस्टमर को भी बैंकिंग सर्विस मिलती है, क्योंकि हर गांव में बैंक खोलना पॉसिबल नहीं है आज की इंडिया की कंडीशंस के अंदर। तो ऐसे केसेस के अंदर, इस टाइप के केसेस के अंदर, देयर इज अ पर्सन हु एक्ट एज अ इंटरमीडियरी, मतलब हु एक्ट एज अ इंटरमीडियरी, हु एक्ट एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर टू रूरल एरिया अकाउंट्स टू इट्स रूरल एरिया ब्रांचेस। रूरल एरिया में भी ब्रांच है तो उसके और अंदर भी रूरल एरिया रहता है, बराबर है ना। इसके बारे में ये होता है बिजनेस फैसिलिटेटर। अब कई बार क्या होता है, गांव के अंदर भी बहुत छोटे छोटे गांव रहते हैं, जैसे बैंक ने मुझे बिजनेस फैसिलिटेटर अपॉइंट किया, अब मैं भी हर गांव में कहां जा सकता हूं, तो मैं क्या करता हूं, एक आदमी को एजेंट बना देता हूं अपना, इंटरमीडियरी बना देता हूं, और वो मुझे सर्विस देता है, मैं बैंक को देता हूं, सब लीगली होता है ये, तो उसकी सर्विस भी एग्जेम्प्ट है। आई समझ में बात, उसकी सर्विस भी एग्जेम्प्ट दी गई है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। पूरा डिटेल में बेटा लिख कर दिया, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिखा हुआ है। सर्विस बाय फॉलोइंग पर्सन इन रिस्पेक्टिव कैपेसिटीज, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट टू अ बैंकिंग कंपनी विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन इट्स रूरल ब्रांच, एनी पर्सन एक्ट एज इंटरमीडियरी टू बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट विद रिस्पेक्ट टू सर्विस मेंशन इन एंट्री ए, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट टू एन इंश्योरेंस कंपनी रूरल एरिया। बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों को ला दिया है यहां पे, ठीक है। अब इसकी कहानी देखिए, इन मेनी रूरल एरियाज आइदर देयर वर नो बैंक और नंबर ऑफ बैंक्स वर इनसफिशिएंट। इन ऑर्डर टू काउंटर दिस प्रॉब्लम एंड एंश्योर ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस बिजनेस करेस्पॉन्डेंट बिजनेस फैसिलिटेटेड मॉडल थ्रू गाइडलाइंस इन 2006, अलाउइंग बैंक टू एम्प्लॉय टू कैटेगरी ऑफ इंटरमीडियरीज नोन एज बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स। These help villagers to open bank account and provide other banking services to them. They act as intermediary between bank and its customer. Bank in turn pay commission or fees to business correspondent or business facilitator. They cannot transact on behalf of bank. Bank के बिहाफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लोगों ने अगर उनको पैसा दिया, मतलब बैंक को दिया, पैसा लिया मतलब बैंक से लिया, बैंक हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है।
एंट्री 39 एग्जेम्प्ट द सर्विस प्रोवाइडेड बाय बीएफ और बीसी टू द बैंकिंग कंपनी विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन इट्स रूरल ब्रांच. रूरल ब्रांच जरूरी है, अगर आपने सिटी ब्रांच के लिए किए तो एग्जेम्प्शन नहीं मिलेगा, रूरल ब्रांच का ही रहेगा. एंड सर्विस प्रोवाइड बाय एनी पर्सन एज एन इंटरमीडियरी टू बीएफ और बीसी, कोई इंटरमीडियरी बनकर अगर उनको भी सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको भी एग्जेम्प्शन दिया गया. With respect to said service are exempt from GST. It is important to note that for the purpose of availing exemption from GST under this entry, service provided by a business facilitator or business correspondent to banking company in their respective individual capacity should be within the accounts in his branch located in rural area of the banking company. Rural area mein chahiye. Ab aage. Whenever the service provided by BFPC to banking company or service provided by an intermediary do not fall within the scope of this entry, GST payable of such service. इस एंट्री में कब आएगा बेटा? इस एंट्री में सर तब आएगा जब जब क्या? जब वो रूरल एरिया के ब्रांच से अकाउंट से रिलेट करेगा, नहीं तो नहीं आएगा. सिर्फ रूरल एरिया के लिए है ये. आई बात समझ में? However, banking company is a person liable to pay GST under reverse charge in respect of commission, fees, charge provided by BF. ठीक है, ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमने पढ़ा है. आप लिख लो सी पेज नंबर 57 ऑफ नोट्स. अगर आपके पास नोट्स आ गए हैं तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो पढ़ा था उसके पेज नंबर 57 पे इसके बारे में लिखा है कि रिवर्स चार्ज लगता है. ठीक है. Further as seen above as per RBI guidelines, bank may pay reasonable commission fees to the business correspondent. Agreement of bank with the business correspondent specifically prohibits them from directly charging any fees to customer for services rendered by them on behalf of the bank. Customer से आप पैसे नहीं ले सकते. On the other hand, bank, not the business correspondent, are permitted to collect a reasonable service charge from the customer on such service in a transparent manner. Opaque manner नहीं, transparent. आपको बताना है कि हम आपसे इतना चार्ज ले रहे हैं as a business facilitator. लेकिन business facilitator या business correspondent directly customer से कोई चार्ज collect नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता. It is illegal. ये बात ध्यान रखना. The arrangements of bank with business correspondent specify the requirement that transaction are accounted for and reflected in the bank books by the end of the day or the next working day. जो भी transaction होता है गांव में वो as it is bank के books में या तो शाम तक आ जाना चाहिए या अगले दिन आ जाना चाहिए. And all the agreement contract with the customer should clearly specify that bank is responsible to the customer for the acts of omission and commission of BF and BC. उसकी भी business facilitator या business correspondent कोई गलती करते हैं, कुछ भी act अगर गलत होती है या सही होती है, जिम्मेदारी किसकी रहेंगी? Bank की. Hence, banking company is a service provider to the ultimate customer. In this model, the banking company is liable to pay GST on entire value of service charge or fees charged to customer whether or not received via this or not by business facilitator or business correspondent. GST government किससे collect करेंगी? भले ही service business facilitator ने दिया है, service दिया है आपको business correspondent ने, लेकिन किसके behalf में दिया? Bank. Bank is liable to customers. तो government किसको पकड़ेगा? Obviously bank को पकड़ेगा. ये circular आया था. ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया बेटा यहाँ पे. अब हम आते हैं एक और चीजों पे. सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, उसके बाद लीजिंग और लीगल सर्विसेज है, और भी कुछ कुछ सर्विसेज है जो हम कंप्लीट करेंगे आज. ठीक है, पहले सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट. इसके पहले हमने देखा था सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, अब हम देखते हैं सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट. ठीक है,
बेटा इसका अपन ग्राफ भी बना सकते हैं, ये अपना लीगल सर्विस के बारे में था, एक बार इसका ग्राफ बना लेते थोड़ा सा तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। जस्ट अ मिनट, कहाँ गया पेज? सबसे पहले आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की बात करें, ठीक है बेटा? सर्विसेस बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब इसके अंदर किस किस को दे रहा है? या तो देगा बिजनेस एंटिटी को, टू बिजनेस एंटिटी, बीई बिजनेस एंटिटी में लिख रहा हूं, या देगा टू नॉन बिजनेस एंटिटी को दिया तो सीधा सीधा है एग्जेम्प्ट, बराबर है। या तो ये देगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंटल एंटिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, इनको अगर दिया तो भी क्या है, एग्जेम्प्ट, बराबर है। और अगर बिजनेस एंटिटी को दिया तो बेटा ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, सबसे पहली चीज। अगर उस बिजनेस एंटिटी का जो टर्नओवर है, टर्नओवर ऑफ बिजनेस एंटिटी अप टू सच अमाउंट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज मेक्स इट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट मिल गया, रजिस्ट्रेशन से मुक्ति, तो भैया ये एग्जेम्प्ट है। और अगर ऐसा नहीं है, इसके अलावा है, अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब टर्नओवर कितना हो गया, जैसे लिख ही लेते ना, टर्नओवर ऑफ बिजनेस एंटिटी मेक्स इट, या बिजनेस एंटिटी इज सच, बिजनेस एंटिटी सच अमाउंट, सच अमाउंट मेक्स इट लाइबल, एल आई ए बी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ये एग्जाम अलग है, फॉर रजिस्ट्रेशन, तो भैया ये टैक्सेबल है। लेकिन एक चीज बता दू, इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, आरसीएम याद कर लेना, आरसीएम का पेज निकाल के 57-58 पेज नंबर निकाल के देख लेना, इसमें रिवर्स चार्ज लगता है। दिखा देता हूं, आप बोलते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, दिखाना, जस्ट अ मिनट। आर सी एम ये तो सप्लाई निकल गया, एक मिनट। ये रहा बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, रिसिपिएंट इज लायबल टू पे द टैक्स, समझ आई बात? आरसीएम देख लो, पॉइंट नंबर टू, पेज नंबर 54 पे लिखा है। चलिए अच्छी बात है, ध्यान में रहा तो अच्छा, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, अब क्या करेंगे। ये तो हो गया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में, ठीक है, ये आपको लिखा दिया, ये आप नोट कर सकते हैं, ये पहला था बेटा। दूसरा है आपका सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट, ठीक है, सर्विस बाय इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स, देख लो इसके अंदर किस किस को दे सकते हैं, ये चार लोगों के नाम लिखे हैं, ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। अब इसके अंदर क्या रहेगा, अगेन चार चीजें,
एक दो तीन चार, ठीक है। अब सबसे पहले तो एज यूजुअल जो आसान चीजें वो लिख देता हूं, टू नॉन बिजनेस एंटिटी ये एग्जेम्प्ट है, एक और चीज है टू अनादर इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स तो भी एग्जेम्प्ट है, वही सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एंटिटी तो क्या रहेगा, तो भी एग्जेम्प्ट है। और ये जो है टू बिजनेस एंटिटी, तो इसके अंदर जो अभी अपन ने देखा एज इट इज, बेटा जो यहां देखा ये एज इट इज आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट, मेहरबानी करके एग्जाम में मत करना, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, अब एक और चीज पे आता हूं, लास्ट है इसके अंदर सीनियर एडवोकेट्स, ठीक है। सीनियर एडवोकेट्स में भी अगेन वही चीजें, इसमें लेकिन एक मस्त क्रक्स है, जो समझा तो अच्छा, नहीं समझा तो और भी अच्छा, मेरे हिसाब से समझ जाएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले टू नॉन बिजनेस एंटिटी क्या होगा बताइए, कुछ नहीं सर, एग्जेम्प्ट। टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, वो ये भी एग्जेम्प्ट। टू बिजनेस एंटिटी ये भी एग्जेम्प्ट रहेगा, ऐसे कॉपी पेस्ट जैसा वहां था। सर ये आपने क्यों छोड़ा, टू अनादर इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स, इनको दिया तो क्या सर, यहां कुछ लिखा है क्या इसके बारे में, नहीं सर कुछ भी नहीं लिखा, तीन ही लोग लिखे, मतलब क्या रहेगा, ओ माय गॉड, सीनियर एडवोकेट प्रोवाइड सर्विस टू अ फर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट, इट इज टैक्सेबल, एग्जेम्पशन नहीं है मतलब टैक्सेबल। यस, अगर ऐसा दिया तो टैक्सेबल है भैया, टैक्सेबल है, बट इसमें एक काड़ी है, बट टैक्सेबल तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको शायद ये मालूम है फर्म ऑफ एडवोकेट भी या एडवोकेट बिजनेस एंटिटी हुआ, हाँ सर बिजनेस एंटिटी हुआ, तो बिजनेस एंटिटी को तो सर वही कुछ एग्जेम्पशन है ना, बिजनेस एंटिटी को प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर उतना नहीं होना चाहिए, हाँ वो एग्जेम्पशन क्लेम किया जा सकता है, बट यहां लिख लो एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट्स कैन टेक एग्जेम्पशन अप टू टर्नओवर ऑफ सच अमाउंट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज मेक्स इट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, सही है कि नहीं है, सोच के देखिए, यहां एग्जेम्पशन नहीं दिया है सीनियर एडवोकेट्स को, सीनियर एडवोकेट को एग्जेम्पशन क्या दिया है, ये तीन चीजें एग्जेम्प्ट है, ये और ये, इसके बारे में नहीं लिखा है, मतलब ये टैक्सेबल है, हाँ सर टैक्सेबल है, और ये टैक्सेबल है, लेकिन ये भी तो एक बिजनेस एंटिटी है, तो क्या ये 20 लाख तक वाला वो जो एग्जेम्पशन जो इन बिजनेस एंटिटी को मिला वो ये ले सकता है, हाँ ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद तो टैक्स देना ही पड़ेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया ये, है ना, इसको आप एक बार पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा एक और देख लेते हैं, स्पॉन्सरशिप इवेंट्स, ठीक है, स्पॉन्सरशिप इवेंट्स के बारे में भी देख लेते हैं, नोट्स, हाँ लीजिंग सर्विस हो गया, ये भी हो गया, अब वैसे 2 घंटे तो हो गए हैं, लेकिन अरे हाँ इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी तो है,
क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चंस भी देखेंगे बेटा, ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन हम साथ में देख रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, इसका हमको बहुत बेनिफिट मिलता है। ये रहा ये क्वेश्चन, तो आप लोगों के लिए वैसे मैं होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा समझाने जैसा नहीं। हाँ ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए, साथ में सॉल्यूशन दिया है आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप देखिए और नहीं समझे तो मुझसे आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक बेटा ये 16th क्वेश्चन भी आपको होमवर्क है, ये वो एजुकेशनल सर्विस से रिलेटेड है। ये आपको मैंने कराया कि नहीं मुझे नहीं पता, नहीं कराया शायद, नहीं इसके लिए रुक जाओ, इसको टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन को कराने को टाइम लगेगा। एंट्री 69 अभी तक हमने पढ़ी नहीं है शायद, 66 69, जस्ट अ मिनट। नहीं 66 69 दोनों हमारी हो चुकी है, हाँ 66 69 दोनों हमारी एंट्री हो चुकी है बेटा, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क। नहीं 69 नहीं हुई है, सॉरी 69 स्किल डेवलपमेंट है, बराबर है, अब होंगी, अगली सर्विस है, ठीक है। एक बार 69 हो जाती फिर पढ़ाता हूँ ये, तो उसके पहले आप ये वाला क्वेश्चन तो आपने देख लिया, हाँ ठीक है, 16 बाद में आएगा, 69 के बाद, ठीक ध्यान देंगे। स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, एंट्री नंबर 53, सर्विस बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाय नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और इट्स एफिलेटेड फेडरेशन वेयर द पार्टिसिपेटिंग टीम इंडिविजुअल रिप्रेजेंट एनी डिस्ट्रिक्ट स्टेट जोन और कंट्री बाय एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर डेफ पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया स्पेशल ओलंपिक भारत by Central Civil Service Culture and Sports Board as a part of National Game by Indian Olympic Association or under Panchayat Yuva Krida or Khel Abhiyan Scheme, not at all relevant from exam point of view, tension मत लो, इसमें समझाने जैसा भी कुछ भी नहीं है, ये exempt है, सीधी सीधी बात, ठीक है। अब आता हूँ skill development, इसके ऊपर question है बेटा, skill development service, entry 69, service provided by नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप बाय गवर्नमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल अप्रूव्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन असेसमेंट एजेंसी अप्रूव्ड बाय सेक्टर स्किल और नेशनल स्किल ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव्ड बाय नेशनल स्किल कॉर्पोरेशन और सेक्टर स्किल, मतलब नेशनल स्किल को सेटअप करेंगी गवर्नमेंट, सेक्टर स्किल को अप्रूव करेगा नेशनल स्किल, असेसमेंट एजेंसी को सेक्टर स्किल और नेशनल स्किल दोनों अप्रूव करेंगे और ट्रेनिंग पार्टनर को भी दोनों अप्रूव करेंगे, ऐसा अगर कुछ रहा तो इसकी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दीज इंस्टीट्यूशन इज एग्जेम्प्ट। इन रिलेशन टू व्हाट? इन रिलेशन टू नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंप्लीमेंट बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर नेशनल स्किल सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरी अवार्ड स्कीम और या फिर एनी अदर स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल स्किल सेंटर ये गवर्नमेंट सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असेसमेंट बॉडी या आपका सेक्टर स्किल कुछ दिखे तो उसको एग्जाम मार देना, सीधी सीधी बात ये है, ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी देख लेते एक बार, आपके एंट्री नंबर आपका 70 और 71, नॉट मच रिलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल ही नहीं है। सर्विस ऑफ असेसिंग बॉडी सैम्पल एंड सेंट्रली, अभी असेसिंग बॉडी भैया जजेस रहते हैं उसके बारे में है, ये है सेंट्रल सर्विस प्रोवाइडर ट्रेनिंग प्रोवाइडर, इसमें जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर सर्विस देते हैं वो भी आ गए, खेल कूद वाला है ये, सीधी सीधी बात स्पोर्ट्स। चलिए इसको देख लेते हैं, स्पॉन्सरशिप तो हो गया, हाँ इसके ऊपर एक क्वेश्चन है बेटा उसको मैं देखना चाहूंगा। एजुकेटर्स लिमिटेड प्रोवाइडेड एजुकेशनल सर्विस रिलेटिंग टू फर्निशेस यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इट हैज कलेक्टेड एग्रीगेट सम 25 लाख ड्यूरिंग द मंथ एंडेड 30/9/2019, ओके 25 लाख कलेक्ट किया, वेरी गुड। अब क्या क्या मिला है, कहां से मिला है जरा देख लेते हैं। 25 लाख मिला है टोटल रिसिप्ट, जिसके अंदर ये है, तो ये पूरा 25 लाख का आपको कच्चा चिट्ठा दिया है। रिसिप्ट ऑफ ज्ञान सागर एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आई टी आई
एंट्री 66 याद होगा तो, एफिलिएटेड टू नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग 1,20,000 एग्जेम्प्ट है. रिसिप्ट ऑफ एजुकेयर वोकेशनल ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडेड टू सेक्टर स्केल, ये अभी देखा था, ये भी एग्जेम्प्ट है. ये है एंट्री 66 और ये है एंट्री 69 जो अभी अपन ने देखा. ठीक है, अभिज्ञान स्किल सेंटर आईटीसी आईटीआई जैसा था वैसा आईटीसी है. वोकेशनल ट्रेनिंग एग्जेम्प्ट अगेन एंट्री 66. रिसिप्ट ऑफ मिशन इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड अंडर डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, ये भी एग्जेम्प्ट है बेटा. लेकिन ये जो है ये एग्जेम्प्ट है एंट्री नंबर आप देखोगे तो लाइबल सॉरी 69 नो सॉरी ये एंट्री नंबर 66 ये एग्जेम्प्ट है. हाँ, कमर्शियल ट्रेनिंग ये वाला, लेकिन नो सर्टिफिकेट वॉज इश्यूड ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग टैक्सेबल. रिसिप्ट्स ऑफ कॉमर्स कंसेप्ट कॉमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट टैक्सेबल. कमर्शियल कोचिंग को एग्जेम्प्शन थोड़ी दिया है हमने. कमर्शियल कोचिंग को एग्जेम्प्शन, जस्ट अ मिनट. एक मिनट, हाँ सॉरी. रिसिप्ट ऑफ गुरुकुल स्कूल प्रोवाइडिंग एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी, ये तो एग्जाम्प्ट है बेटा आपको मालूम है. रिसिप्ट ऑफ प्ले किड स्कूल प्रोवाइडिंग एजुकेशन अप टू प्राइमरी लेवल, सच रिसिप्ट इंक्लूड रिसिप्ट फ्रॉम रेंटिंग प्रीमाइसेस टू कमर्शियल कोचिंग 3,00,000. तो भैया 8,00,000 एग्जेम्प्ट और 3,00,000 टैक्सेबल, यानी यहाँ पे 8,00,000 जो है वो एग्जेम्प्ट है. तो ये 25 में से ये सारे अमाउंट माइनस कर दिया, 8 किया, 12% जीएसटी पेबल. ठीक है, आसान था बेटा, बहुत आसान था. अब 17th क्वेश्चन और 18th, 17th तो बाद में होगा, पहले उसके लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो जरिए उसको देख लेते हैं. परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट, ठीक है, परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट ये एक और देख लेता हूं, इसके बाद लगे तो लीव कर दूंगा. हाँ, एक ही और, आज तक मेरा टारगेट कितना है वो देख लेता. नहीं, एक और लूंगा बेटा एंटरटेनमेंट, तब जाके टारगेट मेरा पूरा होगा. ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो. परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट बहुत आसान है, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है. आगे की सर्विसेज सारी सिंपल सिंपल है. सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय परफॉर्मेंस ऑफ फोक और क्लासिकल आर्ट, ध्यान रखना ये फोक और क्लासिकल आर्ट, क्लासिकल वर्ड ध्यान रखना. फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक डांस थिएटर, तीन ही चीजें, म्यूजिक डांस थिएटर. म्यूजिक यानी नाच गाना गाना, डांस यानी नाचना, और थिएटर यानी एक्टिंग वगैरह. ठीक है, बस ये तीन के अलावा चौथा नहीं है. इफ द कंसिडरेशन चार्ज फॉर परफॉर्मेंस इज नॉट, अभी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का है, नॉट मोर देन 1,50,000 आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. और किसी ने अगर 1,80,000 चार्ज किया तो क्या 1,50,000 तक एग्जेम्प्ट रहेगा और 30,000 पे टैक्स लगेगा क्या? ना, ये एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. ठीक है, However, if consideration exceeds, entire consideration is subject to GST. साफ साफ लिखा हुआ है. Further, all activities by an artist in other art form, like the western dance, modern theatres, performance of actors, ये सब कुछ taxable है. Similarly, activities like in still art मतलब दौड़ने, music यानी गाना गाना, हिलने वाली आर्ट है सब. Dance यानी again हिलने वाली आर्ट है, theatre हिलने वाली, still art मतलब as it is, जैसे painting. स्क्रिप्चर कुछ तो भी पॉट वॉट बनाया, स्टिल आर्ट पड़ा है, आर्ट दिख रहा है, हिल नहीं रहा है, मतलब हिल डुल के आर्ट नहीं दिखा रहा है. ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, स्टिल है, दे आर नॉट मूविंग, बराबर है. स्टिल आर्ट के बारे में कुछ नहीं, और साथ ही साथ ब्रांड एम्बेसडर के बारे में भी कुछ नहीं, समझ लेना. ब्रांड एम्बेसडर सर्विस, कोई ब्रांड के लिए अक्षय कुमार है, ब्रांड एम्बेसडर सर्विस, दिस इज नॉट एग्जेम्प्ट, ये ध्यान रखना. चलिए इसका क्वेश्चन भी कर लेते हैं बेटा. ये रहा क्वेश्चन नंबर
17. Mr. Ajib, a performing artist, provides you the following information relating to December 2019 received from performing classical dance, exempt. Performing television serial, taxable. Services brand ambassador, taxable. Coaching in recreational activity relating to arts, exempt. Scripture making, taxable. Scripture के बारे में कोई exemption नहीं है. Western dance, taxable. सीधी सीधी बात है. चार चीजें taxable, दो exempt. बड़ा आसान क्वेश्चन था. ठीक है. अब ये तो अगेन अगला है रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन. इसके लिए कुछ और पढ़ना पड़ेगा. चलिए ठीक है, एक और पढ़ा देता हूं बेटा. राइट टू एडमिशन एंटरटेनमेंट, उसका रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, उसके बाद लगे तो मैं लीव कर दूंगा. चलिए ध्यान दीजिए, लास्ट है, वो भी बहुत आसान है. ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बेटा, इसके अंदर ऐसा कोई बहुत वो नहीं है. जैसे ये एंट्री नंबर 79, जू में एंट्री है. जू समझता है जू. अब जू की डेफिनेशन, चिड़ियाघर, सीधी सीधी बात. इतनी डेफिनेशन ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और जू, एग्जेम्प्ट. इनके टिकट पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा. सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, सो डिक्लेयर्ड, एंशियंट मॉन्यूमेंट, आर्कियोलॉजिकल साइट, रिमेन्स ऑफ स्टेट एक्ट, ताजमहल वगैरह, कुतुब मीनार. इसमें जो एंट्री टिकट ली जाती है, सर्विस दे रहे हैं वो लोग आपको, कोई चार्ज नहीं, कोई टैक्स वो नहीं, क्या कहते हैं आपके, जीएसटी नहीं. इसके बाद सर्विस बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू सर्कस, डांस और थियोरेटिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा, बैलेट, अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पिजनेट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस एंड स्पोर्टिंग इवेंट, रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, प्लेनेटोरियम. ये जो है, लेकिन इसकी जो टिकट पर पर्सन शुड नॉट बी मोर देन 500 पर पर्सन. अगर 500 से ज्यादा है तो क्या होगा, पूरी टिकट पे जीएसटी लगेगा. अगेन दिस इज नॉट एन एग्जेम्पशन लिमिट, दिस इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ठीक है. रिकॉग्नाइज स्पोर्ट इवेंट मतलब ये लोग अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो कुछ समझाने जैसा नहीं है. और रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, ये लोग है रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी. आपके नॉलेज के लिए आप इसको पढ़ सकते हो बेटा. इसके अंदर एज सच समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, सिंपल. ठीक है ना. तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं, आगे ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो नॉट, अब ज्यादा अपनी बची नहीं है, ये एक बचा है और उसके बाद ये तो चिल्लर चिल्लर छोटे 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 बचे हैं. उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूली इंसर्टेड वाले. ये सब जो न्यूली इंसर्टेड वाले ना, अमेंडमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इसमें अपन अमेंडमेंट्स वगैरह कर लेंगे और उसके बाद कुछ क्लेरिफिकेशन आए, वो क्लेरिफिकेशन देख के बचे क्वेश्चन अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे. ठीक है बेटा. आज यही रुकते हैं. बाय.